हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आई एस। स्वागत है आपका एक और नए दिन जहां हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस की आंसर्स को। तो मेंस के क्वेश्चंस आपने जो लिखे हैं उसके मॉडल आंसर्स डिस्कस करेंगे। अब आप में से कई लोगों का सवाल है कि अगर वो हिंदी माध्यम में ऐसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कैसे करें, तो हमारा हिंदी चैनल है, आप वहाँ पर जाकर यही इनिशिएटिव हिंदी में भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अपने आंसर्स अपलोड करने हैं तो टेलीग्राम का चैनल है, उस लिंक पे जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ जाकर अपने आंसर्स को अपलोड करिए, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करिए पहले फोटो खींचने के बाद, फिर उसको अपलोड करिए। और जब वो अगर बहुत अच्छा आंसर होगा तो उसको हम मॉडल आंसर की तरह यहाँ पर शोकेस भी करेंगे, जो इस वीडियो के एंड में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ज़रूर आंसर लिखिए, उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करिए। और हिंदी मीडियम के लिए आप यूपीएससी ओनली एस के यूपीएससी हिंदी चैनल पर भी जा सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहले क्या टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट जो बॉडीज़ हैं हम वो डिस्कस करेंगे आज। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन बात करता है, डू यू एग्री डेट द इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैव बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल देन द फॉर्मल वंस इन रीसेंट टाइम्स, जस्टिफाई योर आंसर्स विद रेलेवेंट एग्जांपल्स। अब देखिए एक सिंपल सी बात यहाँ पर की जा रही है, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर ग्रुप्स। दो स्टेटमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है कि इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैव बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल कंपेयर टू फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स, डू यू एग्री टू दैट। तो इस क्वेश्चन को आंसर करते टाइम हमें अपने इंट्रोडक्शन में ये मेंशन कर देना चाहिए कि व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स, सो दैट वी डिफाइन इट एंड देयर इन वी स्टेट आर ऑब्जेक्टिव और आर बिलीफ कि हाँ इनफॉर्मल वाले या फॉर्मल वाले कौन से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। जनरली वील स्टिक विद द कॉनोटेशन जो क्वेश्चन का आया कि हाँ जो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैं रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा एक्टिव देखे गए हैं फॉर्मल्स के मुकाबले। अब वो क्यों हैं वो भी आपको अपने आंसर में लिखना है एंड इवेंचुअली यू हैव टू गिव एग्जांपल्स एज वेल। तो अगेन इट्स अ 10 मार्कर, यू हैव 150 वर्ड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, यू डोंट हैव इनफ टाइम कि आप सारे पॉइंट्स ऐड कर पाओ। तो जो कोर ऑफ द क्वेश्चन है वो क्या डिमांड कर रहा है, कैसे इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं और कैसे अभी भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस जो फॉर्मल ग्रुप्स हैं वो भी थोड़ा बहुत रख रहे हैं। दोनों को मेंशन कर देना है हल्का हल्का और इंट्रो में ही आपको प्रेशर ग्रुप को डिफाइन कर देना है। तो इफ़ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर, सो इफ वी स्टार्ट विद द इंट्रो एस्पेक्ट, सो इन इंट्रो व्हाट वन कैन डू इज दैट यू कैन क्लियरली डिफाइन प्रेशर ग्रुप। व्हाट इज प्रेशर ग्रुप, उसके दो कंपोनेंट आपके होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। आप वहीं पर उसको मेंशन करोगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज दैट यू स्टार्ट विद योर बॉडी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। तो यहां जब आप ये डिफाइन कर रहे हो विद इन दैट यू विल मेंशन दैट यस इन रीसेंट टाइम्स वी हैव सीन इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स गेनिंग मोर इन्फ्लुएंस कंपेयर टू फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स, और वहीं से आप स्टार्ट करोगे सम ऑफ द एग्जांपल्स और द रीजंस यू कैन मेंशन फ्रॉम बिलो इन द बॉडी पार्ट इन विच यू कैन क्लियरली मेंशन दैट कैसे फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप डिफरेंस है। पहले वो तो डिफरेंस उनका आपको इंट्रोडक्शन में ही लिखना है, वो लिखने के लिए आपको पहले कोशिश ये करनी है कि आप डिफाइन करो व्हाट इज प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स आर ग्रुप्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ योर पॉलिटिकल प्रोसेस, विच आर नॉट दे डोंट पार्टेक इन योर पॉलिटिकल प्रोसेसेस बट दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द डिसीजन मेकिंग। एंड फॉर एग्जाम्पल डिसीजन मेकिंग का पार्ट वो कैसे बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आप फिक्की की बात कर लो, ठीक है, या फिर आप लेट से कोई फार्मर्स यूनियन की बात कर लो या ट्रेड यूनियंस की बात कर लो, तो वो एक ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं, दे डोंट टेक पार्ट इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस बट दे होल्ड अ लॉट ऑफ कमांड ओवर डिसीजंस बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट और द पॉलिसी मेकर्स, बिकॉज वो उनसे लास्ट में वोट लेने जाना है और वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। तो ये आपने वहीं डिफाइन कर दिया। बट देन देयर आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स जिसकी मैंने अभी तक बात की, ये सारे ऑर्गेनाइज प्रेशर ग्रुप्स हैं विच आर कॉल्ड एज फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स, जिनका जैसे फिक्की हो गया, ठीक है, और अगर आप मैंने बताया ना कृषि ट्रेड यूनियंस हो गए, जो यूनियंस हैं वो कई सारे यूनियंस हैं, दे कैन स्ट्रेट अवे गो एंड टॉक विद द गवर्नमेंट। बट जब रिसेंट एग्जाम्पल आप देखो तो वहाँ उनकी जगह जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं प्रेशर ग्रुप्स जो कभी एक साथ नहीं है, मान लो किसान यूनियंस जो है उनके बाहर भी कई सारे किसान हैं, वो जब साथ आते हैं, जो किसान मूवमेंट हुई थी वहाँ पर ऑर्गेनाइज यूनियंस जो ऑर्गेनाइज किसान ग्रुप्स हैं वो और जो ऐसे नॉर्मल फार्मर ग्रुप हैं वो भी साथ थे। प्लस अगर अभी रिसेंट कोलकाता में जो एक यूनियंस क्राइम हुआ है उसके खिलाफ कई लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो वहाँ दबाव बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर।
तो क्या वहां पर कोई ऑर्गेनाइज प्रेशर ग्रुप है जो एक्टिव है? नहीं, दीज आर इनफॉर्मल ग्रुप्स. क्यों ये अचानक आपको ज़्यादा दिख रहे हैं? अगर आप रीसेंट टाइम्स में देखो तो अगर कोई भी ऐसा मुद्दा उठता है तो यहाँ पर लोग आवाज़ उठाते हैं. उसके पीछे वजह यह है कि इनफॉर्मल ग्रुप्स ज़्यादा स्ट्रांग होकर आगे होकर इन्फ्लुएंशियल हो रहे हैं. इसकी वजह यह है कि वो किसी दबाव में नहीं होते. अगर कोई फॉर्मल प्रेशर ग्रुप है सो दे हैव टू लुक एट लेटर ऑन, उनको और भी सरकार के साथ बातें करनी है, दे हैव टू स्टे इन देयर ऑफिसेज एंड दे हैव टू नेगोशिएट विद द गवर्नमेंट रिगार्डिंग डिफरेंट पॉलिसीज. जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं वो जो प्रोटेस्ट करने आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास एक कॉज होती है जो इमर्ज करती है. उस कॉज के पूरा होते ही उनका साथ आना खत्म हो जाता है. जैसे अगर आप बात करो कोई एक मूवमेंट हो रही है, मान लो कोई क्राइम हुआ उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई, तो जो लोग साथ आए वो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से साथ आए हैं और फिर जैसे वो पूरा हो जाएगा उद्देश्य उनका वो अलग अलग हो जाएंगे. वो कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप बनाकर तैयार नहीं है. जैसे कोई ट्रेड यूनियन है वहाँ जो वर्कर्स हैं वो ट्रेड यूनियन का पार्ट है, कोई स्टूडेंट यूनियन है सालों से वो उसका पार्ट है, उस यूनिवर्सिटी का पार्ट है, वो उस सिस्टम के साथ लगातार इंटरेक्शन में है, तो उनकी कुछ और जिम्मेवारियाँ भी बनती है, कुछ एक तरीके से उनके पास कॉन्स्ट्रेंट भी होता है, इन्फ्लुएंस भी होता है ज़्यादा उनके पास, लेकिन उनके पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं. कंपेयर दैट टू नॉन फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स, वो बिल्कुल प्रोएक्टिवली आते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का उद्देश्य होता है. ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा था. अब नाउ यू हैव फोकस्ड इन इंट्रो की बता दिया हमने प्रेशर ग्रुप्स क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है एंड हाउ इनफॉर्मल ग्रुप्स आर मोर एक्टिव. नाउ विद इन दैट इन योर बॉडी पार्ट्स यू हैव टू शोकेस दैट हाउ इनफॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स आर मोर इंपॉर्टेंट और मोर इन्फ्लुएंशियल देन फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स. इसके आप एग्जाम्पल दोगे तो आपको कई सारे नॉर्मल एग्जाम्पल्स यहाँ मैंशन करने पड़ेंगे. अगर आप हमारे मॉडल आंसर्स में देखो तो यहाँ ऑलरेडी आपको जो बेसिक डेफिनेशन है वो भी है और जो इवेंचुअली जो एक पार्ट हमें हमेशा ऐड करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, तो वहाँ भी आपको आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत बोला गया है कि एडवोकेसी ग्रुप है, डिसीजन मेकिंग में इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस करेंगे. इट इज़ नॉट इलीगल, इट इज़ टोटली लीगल. सम ऑफ देम हैव ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स, सम आर अनऑर्गेनाइज. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए इनफॉर्मल के, तो वो दोनों साथ आते हैं. अब रिसेंट एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं कि क्यों जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो पाते हैं, अब देखिए मैं एग्जाम्पल दूँ आपको. जो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स होंगे दे आर मोर इन्फ्लुएंशियल इन रीसेंट टाइम्स. उसके पीछे मेन प्रमुख रीजन ये, दे हैव मोर रीच, दे गेट मोर रीच बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैव मोर रीच बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज दे आर कमिंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर कॉज फॉर विच दे विल टुगेदर एंड व्हेन इट्स फुलफिल्ड दे माइट डिस्पर्स और दे माइट गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ रूटीन. दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट सिस्टम. तो इसी वजह से जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, इन द इंफॉर्मेशन एज, इन द इंफॉर्मेशन एज, इन द टाइम ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इनेबल्स व्हाट, एक्सेसिबिलिटी. और क्योंकि एक्सेसिबिलिटी बढ़ चुकी है तो हर कोई इसका हिस्सा बन सकता है जो भी उस किसी व्यक्ति किसी मुद्दे को या किसी कॉज के साथ रिलेट करता है. एंड ड्यू टू दैट इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी व्हाट वी विटनेस इज दैट मोर रीच एंड ड्यू टू दैट रीच मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन टेक प्लेस. इसलिए इनफॉर्मल ग्रुप्स में अक्सर ज़्यादा मेंबर्स आ जाते हैं, जो हमें देखने को मिला निर्भया केस के टाइम में, जो एक पूरी मूवमेंट खड़ी हुई विच वॉज प्राइमरली लेड बाय इनफॉर्मल पीपल. दे आर लीडिंग द चार्ज एंड दे हैड कंसेंसस ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. अगर कोई किसान यूनियन है, अलग अलग तरीके की किसान यूनियन होती है, ट्रेड यूनियंस अलग अलग तरीके की होती हैं, एक भारतीय किसान यूनियन है, एक कम्युनिस्टों की अलग यूनियन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एसोसिएशन अलग से है, TUC, तो वो अलग अलग ट्रेड यूनियंस का अलग अलग एजेंडा होता है, तो इसलिए वहाँ पे डिफरेंसेस भी ज़्यादा होते हैं. उनको बार बार बैठ के बात करनी पड़ती है, कंसेंसस बिल्डिंग कई चीज़ों के ऊपर करनी पड़ती है. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. सो इसीलिए ऐसे एग्जाम्पल में आप देखते हो जो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैं दे आर मोर एक्टिव. कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन यू हैव डिफाइंड इट, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन भी पार्ट है पर वो आप नहीं भी मैंशन करोगे तो चलेगा. देन यू वो शोकेस दैट वाई दे आर सो ईजिली सक्सेसफुल, दे आर सो ईजिली एक्सेसिबल. और इसके पीछे मेन वजह क्या है, एज ऑफ सोशल मीडिया, इन्फॉर्मेशन एज. ग्लोबल एग्जाम्पल में आप देख लो ब्लैक लाइव्स मैटर की बात कर लो, ऑल आइज ऑन गाजा मूवमेंट की बात कर लो जो चली थी रिसेंट टाइम में, टू पुट द प्रेशर ओवर सर्टन कंट्रीज की भाई वो ऐसा ना करें, इसराइल गाजा के युद्ध की हम बात कर लें तो वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर हमने देखा लोग साथ आए. और इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स आर वेरी स्ट्रांगली एंड वेरी क्विकली एबल टू टेक एक्शन और
यू कैन से ड्रॉ द अटेंशन बिकॉज ऑफ द रीच एक्सेसिबिलिटी एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रास रूट कनेक्शंस. ठीक है, ग्रास रूट कनेक्शंस की बात कहाँ से आ गई, मैंने बोला वो तो कुछ टाइम के लिए साथ हैं. देखिए होता है कि कुछ जो मूवमेंट लीड हुई हैं रिसेंट टाइम में, वहाँ पर जो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स बने हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू बने ही बने हैं, बट लोग उठ के आए हैं और ग्रास रूट से भी साथ हो गए. फॉर एग्जाम्पल किसान मूवमेंट की हम बात करें, फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हुआ था फार्मर बिल्स के बारे में, वहाँ पर द पीपल फ्रॉम द विलेज एरियाज जो वहाँ के थे वो साथ आए. प्लस इवेंचुअली जो इसका प्रभाव ये होता है कि क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रभाव डालता है, मीडिया में इसको कवरेज मिलती है, सोशल मीडिया से इसको रीच ज़्यादा मिलती है, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, इसी वजह से ये अपना प्रभाव सोशल साइकी पे डालने में ज़्यादा सफल रहता है. और उसी का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा जो इसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का उस टाइम पे जो अप्रोच है, जो उनका मूड है, उसके हिसाब से भी कभी कभी शिफ्ट होते दिखता है. फॉर एग्जाम्पल LGBTQ मूवमेंट दुनिया भर में वो बहुत ज़्यादा गेन कर रहा है. ठीक है, तो वो वहाँ पर आपको जो डिसीजंस हैं वो भी उस डायरेक्शन में ही होते हुए दिखे. सो अगेन इट शोकेस दैट हाउ इट लीड्स टू मोर एंड मोर रीच, मोर और कैपेसिटी. और प्लस सबसे बड़ी बात, फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स को एक स्ट्रक्चरली ऑपरेट करना होता है, उनको एग्जिस्ट करना होता है, तो उसके खर्चे भी आते हैं, कंस्ट्रेंट ज़्यादा होते हैं, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं. इनफॉर्मल ग्रुप्स के पास कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ईजियर एंगेजमेंट है. और क्यों ईजियर एंगेजमेंट है, मैंने बता दिया, शॉर्ट टर्म के लिए होता है. प्लस वहाँ पर अक्सर यूथ अक्सर को लीड कर रही होती है, जब यूथ लीड करेगा तो वहाँ क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, एंड दैट एक्टिव पार्टिसिपेशन विल लीड टू मोर इफेक्टिव रिजल्ट्स. एक्टिव पार्टिसिपेशन, सो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात कर लो, चाहे आप जो क्राउड फंडिंग होती है, उन सभी एरियाज में आपको इनका रोल ज़्यादा दिखेगा. वहीं पब्लिक अवेयरनेस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने में बड़ा रोल निभाते हैं. सेव गंगा कैंपेन की बात कर लो, तो इवन नर्मदा बचाओ आंदोलन जब शुरू हुआ था वो तो डिजिटली इससे पहले की बात थी, वो भी काफ़ी इजीली स्प्रेड आउट हुआ था, और वहाँ पर जो फॉर्मल ग्रुप्स हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं दोनों ही एक्टिव थे. जब कुछ ऐसी मूवमेंट होती हैं इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली फॉर्मल और इनफॉर्मल, दे कंबाइंड साथ में भी आते हैं, लेकिन इनफॉर्मल वाले आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं. क्यों, मैंने मेंशन किया क्यों, ठीक है, रीज़न सोशल मीडिया, इन्फॉर्मेशन एज, ईजियर रीच, एक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन. ठीक है, इट्स फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया कि जो मीडियम जो ऐसे मुद्दे बहुत समय तक स्ट्रेच आउट कर जाते हैं वहाँ वो फिजल आउट कर जाते हैं, और ये इनकी कमी है. इसीलिए आपने मान लो 5-6 पॉइंट आपने लिख दिए उसमें, इन इन वजह से कुछ एग्जाम्पल भी लिख दिए आपने. ठीक है, अब बात आती है कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, नहीं, यू हैव टू ऑल्सो देन राइट डाउन इन 1 or 2 लाइन्स दैट हाउ फॉर्मल जो प्रेशर ग्रुप्स हैं दे आर स्टिल एज रेलेवेंट एज दे वर अर्लियर, बिकॉज दीज आर जनरली इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स आर नॉट इफेक्टिव इन द लॉन्गर रन. सो वेन यू टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल्स देन यू नीड टू हैव फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स, बिकॉज दे हैव इंस्टीट्यूशनल एक्सेस, दे हैव एक्सपर्टीज, दे नो वट दे आर डूइंग. अब CCI की बात कर लो, FICCI की बात कर लो, वो वहाँ हैं. ठीक है, वो जानते इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है. स्टूडेंट यूनियंस जो हैं वो वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में आप कह सकते हो हैं, उन्हें पता है यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, कब का क्या कहाँ क्या होगा, तो इसी वजह से कह सकते हैं दे हैव मोर एक्सेस, दे हैव मोर रिसोर्सेज, दे हैव एक्सपर्टीज, एंड दे कैन ब्रिंग लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल चेंज, एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, दे कैन कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट एंड इट विल लीड टू बेटर रिजल्ट्स. इसलिए आप कहते हो चाहे GST जिसका एग्जाम्पल आप ले लो, GST काउंसिल में जो किस तरह टैक्सेशन होगी, क्या बदलाव होंगे, वो आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते. सोशल मीडिया के थ्रू उतनी कॉम्प्लेक्सिटी को समझाना थोड़ा मुश्किल है. तो वहाँ पर ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, जिनके पास एक फॉर्मल स्ट्रक्चर हो, एक्सपर्टीज हो, जो वहाँ सालों से रहे, जिनको इम्प्लीकेशंस पता हो. सो दैट्स वाई यू नीड दोज ग्रुप्स एज वेल, दोज फॉर्मल ग्रुप्स एज वेल विच हैव दीज सर्टन टाइप ऑफ आइडियाज. तो इसीलिए आप यहाँ पर देखोगे जो फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैं दे हैव मोर एक्सपर्टीज, दे हैव मोर रिसोर्सेज, दे हैव मोर इंस्टीट्यूशनल एक्सेस, दे हैव मोर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, सो दे हैव मोर लॉन्ग टर्म यू कैन से रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर्स, एंड दे कैन प्ले अ लॉन्गर वाइडर रोल ऑन द पॉलिसी मेकिंग. दैट्स वाई दे ऑल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात कर लो, या आप जो इंडिया के कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी यूनियन की बात कर लो, बार बार वहाँ भी बातें होती हैं. जो कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो बार बार एक्टिव होते हैं, ठीक है, एंड दे हैव देयर कैपेसिटी टू इम्पैक्ट लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस, क्योंकि वो रेगुलर चीज़ है, तो वहाँ पर उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए उनका रोल भी आप वहाँ पर मेंशन करोगे. एंड देन इवेंचुअली
टू लीड टू अ कंक्लूजन पार्ट. अब अगेन हालांकि हमारे क्वेश्चन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट द पॉइंट इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन फॉर ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स. यू हैव एट मैक्स 7 to 8 मिनट्स टू राइट दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो यू हैव टू टेक 2 मिनट्स आउट टू थिंक अबाउट द पॉइंट्स यू कैन थिंक ऑफ, और 1 मिनट टू थिंक अबाउट द पॉइंट्स, एंड देन यू हैव 6 मिनट्स टू राइट द आंसर. सो यू डोंट हैव इनफ टाइम टू रियली गिव सो मेनी ऑफ एग्जाम्पल्स. आपके पास मुश्किल से 8-10 पॉइंट्स लिखने का टाइम है, तो यू नीड टू रिमेंबर कि क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रेलिवेंट है. यू शुड प्लेस दैट इन योर आंसर्स, और यही आपकी कोशिश होनी चाहिए. कंक्लूजन में यू कैन ऑलवेज फोकस ऑन दैट हाउ दो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैव क्विकर रीच, दे हैव लार्जर बेस, दे कैन पुट अलॉट प्रेशर एंड but the formal pressure groups are also relevant because of the institutional access, expertise, organized structure. और उस तरह आप उसको कह सकते हो a synergy to have a proper people focused governance. Both the amalgamation of both pressure groups, formal and informal, are required, and that's the best way forward. ये आप वहाँ पर लिख सकते हो eventually इसको finalize करने के लिए. एक अच्छा example जैसे ये CSE, Center of Science and Environment, इन्होंने कई बार जो सीएनजी व्हीकल्स के एडॉप्शन की बात हो या ईवीज की बात हो या फिर जो इन्वायरमेंट में ग्रीन सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन बेंच की जो बात थी, एनजीटी की जो बात थी, वहाँ पर बड़ा रोल इन्होंने निभाया था. तो ऐसे ग्रुप्स का नाम आप लिख सकते हो. फिर जैसे बचपन बचाओ आंदोलन है, इस तरह के जो प्रेशर ग्रुप्स जो ऑपरेट करते हैं, एनजीओज भी हैं, वो उन्होंने भी काफ़ी बड़ा रोल निभाया है. सो यू कैन मेंशन देम एज वेल फॉर फर्दर मोर होलिस्टिक आंसर इन दैट. ठीक है, बैंक एसोसिएशन का रोल आईबीसी में आप लिख सकते हो. तो वो सब तभी हो सकता है जब किसी के पास उतनी एक्सपर्टीज है. ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट हैव फाइनेंशियल कमिटीज इंस्टीट्यूशनलाइज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स. देखो क्वेश्चन क्या क्या है. फाइनेंशियल कमिटीज ने किस हद तक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को. पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में जो कमिटीज हैं उनका क्या रोल रहता है. पीसी की बात कर लो, एस्टिमेट कमेटी की बात कर लो, दे ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, एंड दे ब्रिंग मोर क्लैरिटी, और वही काम होता है इनका. और यहाँ पर यही पूछा जा रहा है आपसे कि किस हद तक प्रभाव डाल पाते हैं. तो सिंपल है, इस क्वेश्चन में यू विल एक्सप्लेन द रोल ऑफ कमिटी. ठीक है, हाउ दे इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, प्रोसीडिंग्स में उनका क्या रोल है. प्रोसीडिंग्स के बाद इवेंचुअली यू गो इनटू व्हाट आर द लिमिटेशंस. यू मेंशन लिमिटेशंस एंड देन यू इवेंचुअली कंक्लूड योर स्टेटमेंट. अब देखो यहां पर क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज का फाइनेंशियल एरिया में क्या प्रभाव रहता है, तो हमें पता है कि हम यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी की बात करेंगे, पीएसी की बात करेंगे. इसमें क्या हुआ था, 2G स्कैम सामने आया था खुल के, और जो गवर्नमेंट के ऊपर एक ओवरसाइट होती है वो रखी जाती है, जो आप कह सकते हो एक कंट्रोल पब्लिक फंड्स के ऊपर, इवेल्यूएशन उनका पॉलिसी मेकिंग का क्या इम्पैक्ट है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो आता है. लिमिटेशन क्या है, दे डोंट गेट दैट मच ऑफ कवरेज, मीडिया कवरेज नहीं मिलती. दे आर ऑफन नॉट, दे आर समवट कंसिडर टूथलेस, बिकॉज वो हो जाने के बाद वो चीज़ अक्सर देखते हैं, तो वहाँ भी कंसर्न है. दे वही एक क्रिटिसिज्म इंडियन पार्लियामेंट का कहा जाता है कि पैसे तो पहले खर्च हो गए हैं, आप रिपोर्ट्स को ऑडिट कर रहे हो, और इवेंचुअली यू कैन नॉट डू आफ्टर मच आफ्टर दैट. सो दैट्स अ बिग कंसर्न इन दिस एरिया. तो यहाँ फाइनेंशियल कमिटीज की पहले बात को जो आप इंट्रोडक्शन में ही ऐड करो कि विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज आर देयर, पीएसी की बात करो, एस्टिमेट कमेटी की बात करो, सीओपीयू की बात करो. तो अब देखो सबसे रोल इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी का होता है, एस्टिमेट कमेटी का होता है. सो व्हाट दे डू, दे प्राइमरली गिव अ ओवरसाइट. ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, और उसके हिसाब से अपनी उसके ऊपर व्यूज़ रखते हैं. तो वो जो एक ओवरसाइट होता है उसकी वजह से जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर डीप इंसाइट्स मिलती है कि क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह चीज़ें हो रही हैं, और क्या उनका इंटेंडेड पर्पज़ है, वो कितना पूरा कर पा रहे हैं उस चीज़ को. आई विल रिपीट, लेट्स से जनरली आप इस क्वेश्चन में करोगे क्या, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ उतना लिखोगे तो नहीं. सो द पॉइंट इज द हेडिंग इज हैज़ टू गो देयर, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर रोल. तो यहाँ हम देख लें तो पीएससी का क्या काम है भाई, सीएजी रिपोर्ट्स देखी, तो 2G स्कैम, कोलगेट की बात हम कर लें, वहाँ हमें पता लगा मिसयूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज. तो कैसे फंड जो है इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल डिसिप्लिन अकाउंटेबिलिटी वो इंश्योर करता है, इससे होता है कर क्या रहे हैं, रिग्रेस एग्जामिनेशन, प्लस इनके पास एक चीज़ होती है टेक्निकल एक्सपर्टीज,
and at times they also have the resources and the know-how. So that's why they can assess the budget estimate, they can assess the reports, they can provide a better or you can say they can provide an evaluation of the steps taken by PSEs या PSUs जिन्हें आप कह सकते हो public sector undertakings. Banks की बात कर लो, Air India की बात कर लो, उनकी financial conditions पे बार बार बात हुई, जो railway की बुरी हालत है उसके ऊपर बातें होती हैं consistently. So again these things have been possible because these reports are forwarded to budget estimates, they are part of PAC और जो COPU है तो वो देख रहा है इन चीज़ों को, तो उनकी वजह से फेयर बेहतर असेसमेंट, बेहतर ओवरसाइट, ठीक है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन और रिक्वायरमेंट फॉर रिफॉर्म्स लाइक फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग की बात जब आती है तो वो भी सामने आती है. इवेंचुअली इससे होता ये भी कि रेगुलर रिपोर्टिंग होती है पार्लियामेंट को, दैट सर्टन बॉडीज या सर्टन ग्रुप्स हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग एज दे मस्ट हैव बीन, एज दे शुड हैव बीन. तो एक जो पॉलिसी मेकिंग की स्क्रूटनाइजेशन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो यहाँ पूरा होता है और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो भी हैं, इनएफिशिएंसीज जो हैं वो खुल के सामने आती है. सो व्हाइल डिस्कसिंग दिस यू विल गो विद इंट्रो, विद इन दैट यू विल डिस्कस दीज एस्पेक्ट्स कि हाँ भाई ये प्रमुख मुद्दे हैं, इनका पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात आ गई या जो कंसर्न रेज हो गए उसकी बात आ गई, देन विद इन दैट यू विल ऑल्सो शो केस इवेंचुअली व्हाट इट डज इज दैट इट फर्दर स्ट्रेंथन्स parliamentary processes. ठीक है, लॉ मेकिंग की बात हो या उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें उसको स्ट्रेंथन करने की बातें करते हैं. और चाहे रिसेंट टाइम में आप देखो मनरेगा में फंड्स की कमी हुई हो या किसी डिपार्टमेंट में लगातार देखा गया अब दिक्कतें आ रही हो, इरेगुलरिटीज हो, दैट कम्स इन टू द मेन स्ट्रीम, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ पब्लिक डिबेट एंड दे इवेंचुअली दे ऑल्सो गेट द मीडिया कवरेज. सो इट गेट the part of the scrutiny of the population as well, which gives it more credence. ठीक है, इससे होगा क्या भाई, हमें पहले ही पता है एग्जीक्यूटिव का अकाउंटेबल आप बनाओगे, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होगा, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट करेंगे तो कमिटीज हमें पकड़ लेगी. अब देखो ये जो चीज़ें हैं ये तो बेसिक कहानी है कि किस तरह से वो ऑपरेट करती हैं, क्या उनका रोल है, कहाँ पर वो क्या उनकी पॉजिटिव्स हैं, बट देन देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन. इस क्वेश्चन में आपको उसको ओवरआर्किंग तरीके से कंप्लीट करना है तो आप इसकी लिमिटेशन भी मेंशन करोगे. व्हेन वी टॉक अबाउट लिमिटेशंस तो वहाँ पर क्या आएंगी, दैट पीएस दैट ऑल दीज फाइनेंशियल कमिटीज आर देयर टू एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी, बट द पॉइंट इज एज द फर्स्ट कंसर्न इज इनके पास एक्सपोजर ही कम है, पब्लिक एक्सपोजर, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, कितनी चीज़ें हो रही हैं, अगर मीडिया ने पिक किया तो वो पिक होती हैं, अदरवाइज दे गेट sidelined and they are not covered into the media as detailed as they should have been. चाहे हम इसमें टेलीकॉम कंपनीज की बात कर लें, BSNL का बुरा हाल आप देख लो, एयर इंडिया का बुरा हाल देख लो, जो एयर इंडिया अब तो प्राइवेट नहीं प्राइवेट हो गई है, पहले वो गवर्नमेंट का पार्ट थी, तो उन पर लगातार कमेंट्रीज आती थी, लगातार उनकी रिपोर्ट्स आती थी, क्रिटिसिज्म आता था, बट इट वॉज नॉट कवर्ड दैट मच, दैट्स वाई इट नेवर गेंड एज मच कवरेज. तो ये जो कमिटीज हैं इनका लिमिटेड पावर्स हैं, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, दे हैव लिमिटेड यू कैन से पब्लिक स्क्रूटनी एक पॉइंट के बाद कम हो जाती है. लार्जली इनका रोल क्या रह जाता है, तो इनका रोल जो है लार्जली एडवाइजरी रह जाता है, और एक तरह से जब चीज़ें हो जा रही हैं तभी उसके ऊपर बातें कर रहे हैं. सो दे कैन नॉट टेक प्रोएक्टिव एक्शन, इट इज़ मोर ऑफ अ रिएक्शनरी बॉडी. पी ए सी की फाइंडिंग की भी बात कर लो, रिकमेंडेशन होती है अक्सर, उसमें उनको उतना एकोमोडेट नहीं किया जाता. जब किसी पार्लियामेंट में किसी पार्टी की मेजोरिटी होगी दे विल इवेंचुअली बी लेस एकोमोडेटिव ऑफ सच रिकमेंडेशंस, तो वो भी कहानी है. फिर देर इज़ नीड टू हैव मोर स्पेशलिस्ट एडवाइजर्स, क्योंकि दिक्कत ये है कि पार्लियामेंटेरियंस होते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसी साइंटिफिक या कुछ ऐसी इकोनॉमिक बजरी हो सकता है ऐसा ऑप्शन आए या ऐसा एक बिल आए जिसके बारे में उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो ऑन सर्टन केसेस बट यू नीड इज दैट यू नीड फर्दर सपोर्ट एंड फॉर दैट यू नीड एक्सपर्ट्स टू वर्क अंडर. और जब वो एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं वो काम कैसे करेंगे, यू नीड टू हैव गिव देम सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो उनको हायर करना पड़ेगा. अब हायरिंग वो होती नहीं है, जब हायरिंग नहीं होती है तो इवेंचुअली इट लीड्स टू मोर क्रंच एंड दैट्स वाई इट लीड्स टू लेस यू कैन से फ्रूटफुल स्क्रूटनी. और इवेंचुअली होता ये कभी कभी जो कमिटीज़ होती हैं, जो पार्लियामेंट मेजॉरिटी है, कुछ पार्टियाँ साथ आई हैं, तो वहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, पॉलिटिकल बायसनेस अक्सर आती हैं, और इवेंचुअली एक फॉलो अप मैकेनिज्म की कमी भी देखी जाती है. कि मान लो एक कमेटी ने पिछले साल कुछ रिकमेंडेशन दी, अगले साल उस
कमिटी में फिर कुछ और लोग चुन गया है और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ जो रिकमेंडेशन आई थी, देर इज़ नो फॉलो अप मैकेनिज्म। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, भाई हमने देखा खास बात क्या है, हमने देखा दिक्कतें क्या हैं, बट इन कंक्लूजन यू हैव टू मेंशन दैट डिस्पाइट एन इम्पॉर्टेंट रोल बींग गिवन टू दीज पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड रोल दे प्ले, दे हैव सीन लिमिटेड सक्सेस विच हैज़ टू बी विच नीड्स टू बी फर्दर इम्प्रूव्ड, ओनली देन दे कैन परफॉर्म बेटर। वहाँ पर क्या इम्प्रूव करेगा, तो जो हमें प्रॉब्लम्स यहाँ दिख रही हैं वी हैव टू मैंशन दैट इन आर कंक्लूजन, दीज एरियाज हैव टू बी रिस्ट्रक्चर्ड और रीवर्कड, और जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज कूडेंट रियली परफॉर्म टू देयर एग्जैक्ट लिमिट एंड दे कूडेंट बी एबल टू डिलीवर वट दे हैव टू बी डिलीवर। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी की हमने बात की, लैक ऑफ रिसोर्सेज की बात करी, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स की बात करी, लैक ऑफ मीडिया एक्सपोजर की बात करी, जो पॉलिटिकल प्रेशर की बात हुई, लैक ऑफ फॉलोअप की बात हुई, ये वो कंसर्न्स हैं विच इज़ पुशिंग दम बैक। अब ये जो पॉइंटर्स हैं, यू हैव टू यूज़ दीज कीवर्ड्स इन योर आंसर्स रैदर देन राइटिंग द होल बिग लाइन्स। तो वो आप कुछ कुछ कीवर्ड्स को इस्तेमाल करोगे, अपने आंसर्स में एड इन करोगे, तो वो आप बेहतर स्थिति में अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर पाओगे, और देन इन कंक्लूजन यू कैन फोकस अबाउट दैट हाउ दे नीड मोर अथॉरिटी, मोर ऑटोनॉमी, मोर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड मोर पब्लिक एक्सपोजर, सो दैट दे विल बी एबल टू यू कैन से मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल इन फार मोर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ टू द लिमिट्स ऑन विच दे शुड। तो ये वो कहानी, यहाँ से आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो। कमिंग टू नेक्स्ट वन, टू वट एक्सटेंट है फाइनेंशियल कमिटीज इंस्टीट्यूशनलाइज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसमें कुछ, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन हो गया, इसमें दो तीन बातें, जैसे सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशन है कि पार्लियामेंट्री डिबेट होनी चाहिए कमिटी रिपोर्ट्स के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी पब्लिक एंगेजमेंट बढ़नी चाहिए, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स। अब देखो ये पॉइंट ना, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू एड इन योर आंसर्स। सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशन, ठीक है, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस, दीज थिंग्स यू हैव स्पेसिफिकली एड अप इन योर आंसर्स ताकि आप बेहतर बना पाए अपने आंसर्स को। एनसीईआरटी आपके ऑलरेडी यहाँ पे आंसर्स में एडेड हैं। अब फॉर्मलाइजिंग द रोल ऑफ एक्सपर्ट्स, रिसोर्स ऑगमेंटेशन, मेजरली वही चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, बट जो की एग्जाम्पल्स हैं लॉ कमीशन और एआरसी का जिक्र अगर आप करते हो तो आपके आंसर्स में और वेट आता है, एंड दैट इज समथिंग वी शुड एस्पायर टू डू। ये वो डायमेंशन आ गए। देन कमिटी के कंपोजिशन के डाइवर्सिफिकेशन की बात आ गई, कमिटी इंडिपेंडेंस बढ़ाने की बात है। अब डाइवर्सिफिकेशन की बात इसलिए आती है कि मान लो वुमेन कितना पार्टिसिपेट कर रही है किसी ग्रुप में, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सोशल बैकग्राउंड्स कितने हैं जो कमिटीज़ का पार्ट है। अगर वो नहीं है देन इट हैज़ टू बी मोर ऑल एनकम्पासिंग, इट हैज़ टू बी डाइवर्स सो दैट डिफरेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन इट, एंड दैट्स व्हाई इट एंड गेट्स अ मोर लार्जर पार्टिसिपेशन लेवल्स। और एक डेलिबरेटिव प्रोसेस बढ़ाने की बात की, ऑलरेडी ये जो आस्पेक्ट है जिसकी हम बात पहले भी करते हैं, जिसके तहत हम और अकाउंटेबिलिटी बढ़ा पाएँ और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा पाएँ। तो याद रखिए क्वेश्चन पहले क्या कह रहा था, क्वेश्चन की डिमांड है टू व्हाट एक्सटेंट दे हैव डन दिस। तो वहां आपको एक ओवरआर्चिंग अप्रोच रखनी है। तो यहां ये जो एडेड पॉइंट्स हैं, जो वैल्यू एडेड मटेरियल्स हैं, जो की पॉइंटर्स हैं, इसको आप अपने आंसर्स में एड ऑन करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट मेजरली यू हैव टू स्टिक टू इंट्रो इन विच यू डिफाइन विच बॉडीज आर वी टॉकिंग अबाउट, देन यू डिस्कस व्हाट इज द रोल, चार पॉइंट आप वहां लिख पाएंगे, देन यू डिस्कस व्हाट आर द इश्यूज, एंड इन कंक्लूजन यू विल राइट, तीन लाइन में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्या क्या आप स्टेप्स यहाँ पे ले सकते हो। जो कीवर्ड्स है, जो पॉइंटर्स हैं ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में हमने हाईलाइट करके रखे हुए हैं, यू कैन लुक एट दोज एंड देन इट विल हेल्प यू इन फ्रेमिंग अप दिस क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, अ पावरफुल पीएमओ विद सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग अंडरमाइंस द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन इंडिया, डिस्कस। नाउ यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है एक पावरफुल पीएमओ, तो पीएमओ का क्या रोल है। ठीक है, you will to discuss that what is the role of PMO and what are the issues with that particular role which PMO has been playing, aur kaise wo powers ko centralize karta hai, and then eventually you will conclude the answer by showcasing that there, kyunki Indian jo parliamentary system hai wahan par PMO ke badle jo majority of decision making hai uska normal structure ye hai that you have a PM and then you have council of ministers, to council of ministers aur jo aapka cabinet hai
मेजरली वहाँ से आपके डिसीजंस होने चाहिए, बिकॉज देन दीज पीपल आर इलेक्टेड एंड इलेक्टेड पीपल, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव इज मोर अकाउंटेबल. ब्यूरोक्रेसी की वजह मिनिस्ट्रियल जो ऑटोनॉमी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई वी हैव टू बी मोर डिसेंट्रलाइज्ड इन वेरियस एरियाज. और पीएमओ के थ्रू जब चीज़ें पुश होती हैं तो इट लीड्स टू मोर सेंट्रलाइजेशन, वे वी रिक्वायर डिसेंट्रलाइजेशन. दिस इज समथिंग विच वी टू अंडरस्टैंड. इफ वी डोंट डिसेंट्रलाइज्ड आर पॉलिसी मेकिंग, इट विल लीड टू मोर ग्रीवांसेस, और दोज ग्रीवांसेस विल नॉट बी रिड्रेस्ड. ग्रीवांस रिड्रेसल का बेस्ट तरीका ये है कि यू वट यू डू, यू ट्राई टू मेक द गवर्नेंस ऑल द मोर रिप्रेजेंटेटिव, यू डिवॉल्व इट. और उसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि पीएमओ का रोल है इंपॉर्टेंट. यू विल नॉट क्लियरली आउटराइटली से कि पीएमओ का रोल गलत है या ऐसा नहीं होना चाहिए. यू विल मैंशन दैट इट इज़ वेरी एसेंशियल टू हैव अ बैलेंस बिटवीन पीएमओ, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टू इंश्योर दैट इट इज नॉट, इट डजेंट रिमेन टू स्ट्रांगली सेंट्रलाइज बट रैदर रिमेन्स डिसेंट्रलाइज. दीज आर की एरियाज विच यू हैव टू मैंशन योर आंसर्स. अगर हम उसके की पॉइंटर्स की बात करें, सो द रोल ऑफ पीएमओ, देखो पीएमओ के इतिहास में अगर आप जाओगे ना तो पीएमओ अक्रॉस इंडियाज हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री, वेन एवर यू हैव अ स्ट्रॉन्गर पीएम द पीएमओ गेन्स मोर एंड मोर पावर बिकॉज डिसीजन मेकिंग ज़्यादा सेंट्रलाइज हो जाती है. टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम इन द टाइम्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज लीडिंग फॉरेन मिनिस्ट्री एज वेल, तो वही वो सारे डिसीजन लेते थे. सो इवन इन द रिसेंट टाइम्स वी हैव सीन पीएमओ एक्टिव मोर. इन द लास्ट टर्म एज वेल वी सॉ, फर्स्ट टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, वी ऑल्सो सॉ दैट पीएमओ बीइंग वेरी हाइपर एक्टिव कंपेयर टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के मुकाबले अगर हम देख लें, या कुछ डिसीजन मेकिंग की बात कर लें. तो वहाँ पर वो सेंट्रलाइजेशन होता क्यों है, पहले आप ये लिखो, द डिसीजन मेकिंग बाय पीएमओ, द पीएमओ इज सीन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट लीड्स टू मोर एफिशियंट डिसीजन मेकिंग, बट द एफिशियंसी कैन लीड टू अंडरमाइनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इक्विटी. तो एडवांटेज क्या है, पहले आप वहाँ मैंशन करो, तो एडवांटेज में क्या है, देर हैज टू बी, देर रिमेन्स अ कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी. ठीक है, सर्विस डिलीवरी और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है. तो जो आपके ऐसी बॉडी हैं जिनको इंप्लीमेंट करना मुश्किल काम है, फॉर एग्जांपल अब जीएसटी की बात कर लो, ये जीएसटी काउंसिल उसको हैंड कर, तो इम्प्लीमेंटेशन यूनिफॉर्म टैक्स लॉ तभी आ पाया जब आप उसको एक एफिशिएंट तरीके से ले आ पाओ. वहाँ पर अगर आपके पास ज़्यादा डिविजन नहीं है तो आप बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो. देन यू लुक आउट, लुक एट रिसोर्स एलोकेशन की बात कर लो. COVID-19 वैक्सीनेशन के टाइम में इसकी एलोकेशन जो थी स्टेट्स में वो इन्फेक्शन रेट पॉपुलेशन के हिसाब से हुई थी, बट वहाँ भी एक एफिशिएंट रोल निभाया था पीएमओ ने, जो ज़्यादा बेहतर तरीके से एलोकेशन कर पाया. इससे होता यह कि कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, कैपेबिलिटी अपलिफ्टमेंट, सेंट्रल रिसोर्सेज को आप बेहतर तरीके से मोर एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. बट अगेन इट विल लीड टू, जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट विल इवेंचुअली आल्सो लीड टू अ मोर बायसनेस. हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें, स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर लें, एफिशिएंसी की बात कर लें, एलोकेशन की बात कर लें, रिसोर्स एलोकेशन की बात कर लें, सारी बातें हो रही हैं, बट इन सभी के साथ एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम भी आती है. वो कंसिस्टेंट प्रॉब्लम ये होती है कि एज दीज थिंग्स हैपन, दे टेंड टू सेंट्रलाइज एवरीथिंग, दे टेंड टू, दे माइट बी, यू नो, पीएमओ हो सकता है किसी एक सेक्टर को ओवरलुक करे. ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल दैट जो पीएमओ है, इट कुड हैव पॉलिटिकल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल बायसनेस, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी. प्लस दो पीएमओ ड्रिवन इनिशिएटिव, जिसका बेस्ट एग्जांपल तो आप स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लो, या फॉरेन मिनिस्ट्री, हालांकि अब तो एक्टिव हो गई है, बट जो फॉरेन पॉलिसी रहती है, अक्सर कहा जाता है कि पीएमओ प्लेज अ लार्ज रोल इन फॉरेन पॉलिसी. और जो रीसेंट इनिशिएटिव आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम बात करें, तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स पीएमओ ने पुश किए हैं, तो वो उनमें ज़्यादा एनर्जी रहती है, दे आर मोर क्विक एंड मोर एफिशिएंटली अप्लाइड, प्रोजेक्ट्स गेट ईजियर फाइनेंशियल एक्सेस, यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन होती है, ओवरऑल जो गवर्नमेंट उसको और ज़्यादा प्रायोरिटी पर ब्यूरोक्रेसीज के ऊपर काम करती है. बट द प्रॉब्लम इज अगेन, व्हाट इज योर डेमोक्रेटिक सिस्टम, इन योर पार्लियामेंट्री सिस्टम देर हैज टू बी एन अप्रोच, देर हैज टू बी अ सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इज नॉट डिक्टेटेड बाय एनी वन पर्टिकुलर ग्रुप. तो पीएमओ और प्राइम मिनिस्टर के कितने भी स्ट्रांग होने के बावजूद, एज पर द इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज have their jobs cut out, so they have to be kept responsible and
द पावर शुड बी नॉट सेंट्रलाइज, इट हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइज, क्योंकि अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो इट विल इवेंचुअली लीड. अब देखो होता ही है कि मिनिस्टर्स आप आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ज्योग्राफीज, सो जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. And that has to be safeguarded. Then it could also lead to marginalization of institutions. अगर हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो जो एक सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो होगा तो इट विल नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव पावर, बिकॉज मिनिस्ट्री और ये सब चेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव पावर की अगर हम बात करें, जो बेसिक हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं, डिवीजन ऑफ पावर की बात करें, हम बात करें की एस्पेक्ट होता है दैट इट इज जो भी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स द पार्लियामेंट. सो इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दे हैव टू हैव द कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, दे नीड टू एक्ट कलेक्टिवली एज वेल. सो अगर वो बहुत ज़्यादा सिंगल पर्सन की तरफ लिमिटेड हो जाएंगे देन इट विल नॉट रिमेन एज कलेक्टिव एज इट शुड हैव बीन. वो एक कंसर्न हमेशा रहता है कि जब भी आप पीएमओ को ज़्यादा सेंट्रलाइज करते हो ये कंसर्न है, तो पीएमओ से डिसीजन मेकिंग जब ज़्यादा होगी तो होगा क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम? फेडरलिज्म पर बहुत बड़ी चोट पहुँचेगी. सेंटर स्टेट रिलेशंस पे इसका इम्पैक्ट होता है, डाइवर्सिटी पे इसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है. अब फेडरलिज्म डाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट होने के अलावा आप जर्नली जो देखो, जो एक लेजिस्लेटिव ओवरसाइट है वो इम्पैक्ट हो जाती है, ठीक है. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे आ जाओ, वहाँ प्रभाव पड़ता है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट ही इसलिए किया पार्लियामेंट्री मॉडल की कि वहां पर एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ना हो. यहां हो क्या रहा है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रही है. जब जब ऐसी चीज़ें होंगी जहां पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा, जहां पर आपके फेडरलिज्म में जो स्टेट के पास उनका हक है दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड नॉट बाय एनी वन ग्रुप बट इट हैज़ टू बी यू कैन से द रिसोर्सेज हैव टू डिस्पर्स्ड एज पर द लॉज और एज पर द सिस्टम्स डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जो एक स्टेट ऑटोनॉमी है, जो स्टेट की पावर है वहाँ पर उनको पुश करना चाहिए. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, वो हमारा फेडरलिज्म का एक बेसिक एसेंस है दैट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. इसलिए उसको कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं देना चाहिए, ये हमारा की रोल होना चाहिए इन सब एरियाज़ में, तो वो हमें उसके आधार हमेशा रखना बहुत ज़रूरी है. सो उन कॉन्टेक्स्ट को हम ध्यान में रखें तो वहाँ पे ये आपको की कंसर्न जो है यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का इशू आ गया, जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात आ गई, डिसेंट्रलाइजेशन की बात आ गई, आपकी डाइवर्सिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज है, ये सभी एरियाज हैं जिसको आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं. दीज आर द इश्यूज व्हेन पीएमओ गेट्स मोर पावरफुल. पीएमओ का एडवांटेज हमने पहले डिस्कस कर लिया, डिसएडवांटेज ये हो गए. यू कैन मेंशन एंड गिव एग्जांपल्स एंड देन इवेंचुअली यू विल कंक्लूड बाय प्रोवाइडिंग दैट पीएमओ माइट प्रोवाइड मोर इफेक्टिव एंड कंसिस्टेंट ऑल द टाइम. अ बॉडी लाइक पीएमओ हैज मोर स्कोप फॉर क्विक ग्रोथ एंड इम्पैक्ट, बट इन लार्जर रन वी विल रिक्वायर अ मोर कलेक्टिव एंड अ मोर पार्लियामेंट्री अप्रोच, जो कि ज़्यादा कैबिनेट पे और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके ऊपर होनी चाहिए, विच विल ऑल्सो क्रिएट अ चेक ऑन आर्बिट्री डिसीजन मेकिंग. और इट विल ऑल्सो, जैसे हम कहते हैं ना, चेक्स एंड बैलेंसेज वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें राज्यसभा बनाई ही क्यों है? क्योंकि लोकसभा में बिल पास जब हो रहे हैं, अगर हो सकता है एक बार में कोई बिल पास हो जाए, दूसरी बार वहाँ पर मौका मिले टू हैव अ रीअसेसमेंट ऑफ वेदर दैट बिल इज करेक्ट और नॉट, तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रख सकें. जो ब्यूरोक्रेसी का इम्पैक्ट है
उसमें भी उनको न्यूट्रल एफिशिएंट रहना बहुत ज़रूरी है. अगर वो न्यूट्रल एफिशिएंट तभी रहेंगे जब इफ दे रिमेन डाइवर्स. सो इफ दे गेट लिमिटेड टू एनी वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर वन यू कैन से मिनिस्ट्री और वन ग्रुप, इट विल कॉम्प्रोमाइज देयर इफेक्टिवनेस. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये सारी बातें भी हम देख सकते हैं. जुडिशियल इंडिपेंडेंस इस केस में कि रूल ऑफ लॉ हमें अपहोल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है. तो पीएमओ यहाँ पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को भी कभी कभी इंपैक्ट कर सकता है, डिसीजंस को इंपैक्ट कर सकता है, अगर वो ऑल एम्पावरिंग हो जाए तो. हालांकि दिस इज नॉट द केस इन द प्रेजेंट टाइम, यू शिल नॉट मैंशन दिस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, बट पीएमओ के रोल को लिमिट रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑल द स्टेक होल्डर्स शेल हैव देयर राइट टू पावर एंड शेल हैव देयर, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल के तहत ही आपका पार्लियामेंट रन करता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट हैज़ टू बी सेफ गार्डेड एंड अपहेल्ड. ठीक है, नाउ गोइंग अहेड एंड लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सीएजी इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इन दिस कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएट द परफॉर्मेंस एंड चैलेंजेस ऑफ सीएजी इन इंडिया. अब पहला स्टेटमेंट जो है, इट इज़ लाइक दे आर सेइंग समथिंग कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब है या नहीं है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट कॉन्टेशन क्लियरली ये कह रही है कि यू हैव टू फोकस ऑन द रोल विच सी ए जी कैन प्ले. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, वट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रिलेटेड टू सी ए जी? क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन के हम इंट्रोडक्शन में जाएंगे, यू हैव टू स्टार्ट विद दैट. अब यहाँ बात यह है, आपको करना क्या है, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस एंड चैलेंजेस ऑफ सी ए जी इन इंडिया. अब सी ए जी की हम जब बात करें तो रिसेंट टाइम्स में दो तीन केसेस क्लियरली याद रहेंगे. 2G केस की हम बात कर लें, कोलगेट की बात कर लें. ठीक है, तो सी ए जी का रोल क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल. अगर आप बेसिक पॉलिटी की बुक में जाओ जो आपके पास है, उसमें जो आपका वो चैप्टर है पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए काफ़ी है कि आप सी ए जी की जो परफॉर्मेंस है वो देखोगे, क्या चैलेंजेस है वो लिखो, कंक्लूजन में एक कंपैरिजन एस्पेक्ट दे दोगे कि हाँ ये बहुत बड़ा रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस में से एक है, बट ड्यू टू दीज एंड दीज इश्यूज सी ए जी हैज़ नॉट बीन एबल टू कंप्लीटली स्टैंड अप टू इट्स रोल. तो वहाँ पर आपको फिर वो कंक्लूजन में ऐड करना है. पर मेरा आपसे पहला सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए वट आर योर की आर्टिकल्स. खैर यहाँ सामने लिखा आ गया तो बात ही नहीं है. ठीक है, 148. अब क्यों यहाँ लिखना है भाई? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमें इंट्रो में ये लिखना ही लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. करता क्या है सी ए जी, जितने रिसीट एक्सपेंडिचर है उसको वो एक तरह से असेस करता है. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फंड होते हैं, ताकि वहाँ पर कोई मिसयूज फंड्स का ना हो. ठीक है, ये हमें पता है. नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ यू लुक एट, जब बोला जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर, तो इसका मतलब पहले से आपको क्लियर है दैट यू हैव टू मैंशन वट इज़ द रोल ऑफ सी ए जी. सो वट सी ए जी डज इज दैट इट इंश्योर्स फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी. नाउ विच सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, कैसे वो अकाउंटेबिलिटी मैनेज करते हैं? क्योंकि लेट्स से ओलंपिक गेम्स की बात कर लो, जीएसटी की बात कर लो, आप स्पेक्ट्रम एलोकेशन की बात कर लो, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट में दिखाना ये खास बात है. और यहाँ सी ए जी की रिपोर्ट आपको दिखाती भी कि क्या क्या करेक्टिव मेजर्स लेने ज़रूरी है. मान लो टैक्सेशन में क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या जीएसटी में बदलाव की ज़रूरत है, किन एरियाज में चीज़ें सफ़र कर रही हैं, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो कहाँ कहाँ पर सही तरीके से हुआ, इन सबको डिफाइन करने के लिए, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल है. ऑल्सो प्रोटेक्ट पब्लिक फंड्स, सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2G स्पेक्ट्रम केस, कोलगेट की बात आप कर लो, गवर्नेंस के एनहांसमेंट की बात कर लो. सीएजी रिपोर्ट आपको इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देती है कि कहाँ कहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव करने की ज़रूरत है और क्या वहाँ रिकमेंडेशन दी जाए. जैसे मनरेगा में बदलाव कुछ रिकमेंडेशन सौंपी थी कि किन एरियाज में पॉलिसी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है. तो अगेन ऑन मनरेगा एक रिकमेंडेशन आई सीएजी की, सो दैट कैन बी यूज्ड टू व्हाट इट कैन डू पॉलिसी करेक्शन. तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिसी करेक्शन, प्रोटेक्टिंग द पब्लिक फंड, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ये सब की 4-5 पॉइंट आ गए जो आप सीधा सीधा सीएजी के लिख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर इनकी पावर्स जो डिफाइंड है वो है और जो उनकी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है वो डिफाइंड है. एंड बियॉन्ड दिस व्हाट प्राइमरली डज इट इंक्रीजेस फिजिकल डिसिप्लिन. कॉमनवेल्थ गेम्स का एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया कि जहां फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कई सारे मुद्दे सामने आए थे उसको लेकर बात करी थी सीएजी ने. तो सीएजी की रिपोर्ट जो होती है, अगेन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपके पास 6 पॉइंट है, आप उसके आसपास
एक ही एग्जाम्पल के साथ उसको मैंशन कर सकते हो, बट देन दिस इज नॉट इनफ, यू हैव टू ऑल्सो मैंशन दैट वट हाउ हैज बीन द परफॉर्मेंस एंड द लिमिटेशन. द परफॉर्मेंस इज दैट दे हैव डन सम रियली सिग्निफिकेंट वर्क इन टर्म्स ऑफ ऑडिट फाइंडिंग. जहाँ आपने एग्जाम्पल लिया तो आप मनरेगा की बात कर लो, सी ए जी की बात कर लो, एनआरसी की बात कर लो, मिनिमम वेजेज एक्ट की बात कर लो, उसमें अपडेट की बात की, तो जो इसमें दिक्कतें हैं वो इरेगुलरिटीज़ हैं वो हाईलाइट की. पॉलिसी गवर्नेंस में सिस्टमेटिक इश्यूज़ को बढ़ावा दिया के बारे में बताया, प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन कितना हो रहा है, आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की बात जो है वो हाईलाइट की थी सी ए जी ने. तो ये वो एरियाज हैं जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि दे ऑलरेडी प्लेइंग अ बिग रोल इन ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट को और पब्लिकली अवेलेबल कराने की में सबसे बड़ा रोल सीएजी का ही रहता है. तो बट आई एम ट्राइंग टू कम टू इज दैट इन डिफरेंट एरियाज सीएजी हैज बीन परफॉर्मिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट, जहां उन्होंने अलग अलग एरियाज पर अलग रिपोर्ट्स दी है. माई पॉइंट बीइंग यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद योर एग्जाम्पल, जो हमने यहाँ मेंशन किए उनको आप स्पेसिफिकली अपने आंसर्स में ऐड कर लो. जहाँ आप सी ए जी का टॉपिक आपकी पॉलिटी में है वहाँ पर ये रिपोर्ट्स या ये चीज़ें जो रेलेवेंट हैं वो आपके पास एक जगह होनी चाहिए, ताकि आप आगे भी रिवाइज करो तो आपको एग्जाम्पल देखते ही वहाँ याद आ जाए और अपने आंसर्स में आप उसको यूज़ कर पाओ. ठीक है, जो चाहे आपकी सी एस पीज हैं, जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, वहाँ पर जो जुडिशियल रिकॉग्निशन है वो भी इनको मिली. अब लेकिन दिक्कत ये है कि सी ए जी के साथ प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, दैट वी नीड टू गो बियॉन्ड what we have been doing so much till now. सी ए जी ने बिग डेटा के बारे में बताया, ठीक है, बिग डेटा मैनेजमेंट की बात करी, जो एक अच्छी एक पहल थी सी ए जी के द्वारा. बट द प्रॉब्लम इज सी ए जी ऑडिट करता है जब चीज़ें हो चुकी होती हैं उसके बाद, तो अगेन इट इज़ नॉट रियली कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो बस ये एक ऑडिट की तरह काम कर रहे हैं सी ए जी हमारे. तो वहाँ चेंजेस ये हैं कि दैट हैज़ टू बी that puts a limitation on the CAG. और CAG की ओर सबसे बड़ी समस्या ये देखी जाती है that political climate and political pressure might be there on the CAG. उनके पास दिक्कत ये है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट्स हैं, एक तो मैन पावर बहुत कम है, रिसोर्स बहुत कम है, रिस्ट्रेंट्स हैं, बजट की कमी है, फाइनेंशियल जो फ्रीडम है वो कम उपलब्ध है, प्लस दे डोंट गेट एज मच विजिबिलिटी एज दे शुड इन आइडियल सिनेरियो. तो वो एक मेजर कंसर्न रहता है. अब यहां पर कभी कभी ये होता है कि मीडिया प्रेशर भी एक रोल प्ले करता है, पब्लिक प्रेशर भी कभी कभी कहा जाता है इंपैक्ट कर सकता है. और एक आस्पेक्ट ये कि जो मैंने बोला कई सारे रिकमेंडेशन सीएजी देती है अपनी रिपोर्ट के बाद, पर वो रिपोर्ट्स दैट सीएजी रिकमेंडेशन आर नॉट इंप्लीमेंटेड जनरली बिकॉज इट इज इन अ वे एडवाइजरी. सो चाहे पी डी एस की बात कर लो, चाहे बिग डेटा मैनेजमेंट की बात कर लो, चाहे एनआरसी में जो बदलाव की बात की थी सी ए जी ने, वो सब उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया जिस प्रकार से सी ए जी ने उसको एनविजन किया था. सो इन दिस सिनेरियो वी आर क्लियरली विटनेसिंग दैट दे हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड एज दे शुड हैव बीन इन आइडियल सिनेरियो. तो वो कंसर्न आपको सी ए जी का क्लियरली देखने को मिलता है. जब तक इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं होगा तो चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी. इसमें फेमस विनोद राय का वो एक कोट है कि ऑडिट इज नॉट अबाउट फैक्ट फाइंडिंग बट इट मींस टू इंश्योर दैट पब्लिक फंड्स आर नॉट आर यूज्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. तो एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी के ऊपर काम करता है, वॉचडॉग की तरह काम करता है पब्लिक फाइनेंसिस के. लेकिन जो इनकी रिकमेंडेशंस है, जो इनके ऊपर प्रेशर है, जो इनके ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, जब तक वो नहीं निकलेंगे सीएजी कुडंट रियली परफॉर्म टू इट्स बेस्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल. और वही कंसर्न रहा है जिनमें सुधार की जरूरत है. तो ये कहानी आप ओवरऑल इस तरह से सीएजी के इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हालांकि कुछ आपके पास जो रिकमेंडेशन है सीएजी विनोद राय के द्वारा, ऑडिट के स्कोप को बढ़ाने की बात इन्होंने की है, लेजिस्लेशन अपडेशन की बात की है, सिलेक्शन प्रोसेस में रिफॉर्म की बात की है, और जो नए चैलेंजेस आए हैं जैसे जो ऑडिट मैकेनिज्म है उसमें टेक्नोलॉजी की बात आ गई, जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा आ गया, पीपीपी का मुद्दा आ गया, अगर हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करनी पड़े तो वो भी हमें करना चाहिए ताकि कैपेसिटी डेवलपमेंट हो पाए पब्लिक ऑडिट के बारे में, कि पब्लिक ऑडिट इंडिया का कैसा है, बाकी दुनिया में किन तरह का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑडिट को और बेहतर किया जा रहा है और एफिशिएंट किया जा रहा है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और इसको और बेहतरी के साथ अडॉप्ट करना चाहिए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए. इसके बारे में भी सीएजी विनोद राय जी ने कहा है. तो जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगेन जो की पॉइंट है दैट यू शुड ऐड वहाँ जहाँ आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सीएजी के बारे में. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. इंक्रीजिंग प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द जुडिशरी प्रेजेंट्स यूनिक बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस
analyze these in Indian context and suggest measures for effective legal integration. अब पहली बात ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के प्रमोशन की बात को बढ़ावा देने की बात की, तो क्या ये इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हमें प्ले लिए मेंशन करना है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए ताकि इफेक्टिव इंटीग्रेशन हो पाए इसका, तो क्या चैलेंजेस हैं पहला वो, और तो क्या मेजर्स होने चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हमें लिखना है। तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है, नॉर्मली हमें पता है कई सारे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स होते हैं, ऑनलाइन डिस्प्यूट मैकेनिज्म में जो नेगोशिएशन मीडिएशन आर्बिट्रेशन होता है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है। सो दे विल नॉट गो टू द कोर्ट्स, दे विल नॉट फिजिकली गो टू द प्लेस, इट विल बी डन ऑनलाइन। तो ये न्यूज़ में क्यों आया, नीति आयोग की रिपोर्ट थी उसमें इसका मेंशन किया गया था 2021 में, तो उसमें एक्सेस बढ़ेगा। और क्योंकि अभी प्रेजेंटली इंडिया में सिस्टम ये है कि इंडिया में अब डिजिटल एक्सेस बढ़ चुका है, आज से कुछ समय पहले तक हम ये बात नहीं कर सकते थे। 1 करोड़ से ऊपर आपके केसेस पेंडिंग हैं जुडिशरी में, कहे जा रहे करोड़ों साल लग सॉरी सालों लग जाएंगे आपके सारे केसेस को हटाने में, और फिर नए नए केसेस ऐड हो जा रहे हैं, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, प्लस कुछ ऐसे जनरल डिस्प्यूट्स होते हैं विच कुड हैव बीन रिजॉल्व विदाउट इवन गोइंग इनटू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सो उन केसेस को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है इन डिक्रीजिंग लोड ओवर द इंडियन जुडिशरी, प्लस इट कुड लीड टू अ वेरी गुड एग्जाम्पल वेयर टेक्नोलॉजी इज यूज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। अब दो भाइयों में झगड़ा हो गया, विवाद प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, कुछ आर्बिट्रेशन या मीडिएशन का मुद्दा हो सकता है, छोटे मोटे पेटी डिस्प्यूट्स को लेकर, तो वो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है, इट कुड बी अ लो हैंगिंग फ्रूट। और ये एक इंपॉर्टेंट स्कोप है जहां हम बात कर सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ पर बेनिफिट्स इसके क्या होंगे, सबसे बड़ी बात केस बैकलॉग घटेगा, 5 करोड़ आपके कोर्स केस पेंडिंग है, 30 साल का टाइम लगेगा उसको हटाने में, वो सब निपट जाएगा, डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ेंगी, इट कुड बी ईजियर, इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, लेस फाइनेंशियल कंस्ट्रेन ऑन ईदर ऑफ द पार्टीज विच आर इन्वॉल्व। नॉर्मली कोर्ट में जाने में सालों के पैसे लग जाते हैं, वहाँ आप जाओ फिर आओ वकील हायर करो बहुत कुछ करो, तो यहाँ पर इससे होगा ये कि ये एक क्विक रिजोल्यूशन मैकेनिज्म देगा, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन देगा, फ्लेक्सिबल प्रोसीडिंग्स होगी, इनफॉर्मल भी हो सकता है, तो यहाँ पर एक ज़्यादा स्कोप होगा जहाँ आप इजीली चीज़ों को सेटल कर पाएगा। फैमिली डिस्प्यूट किसी के बीच में है तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज़ अ वेरी ईजियर वे, जिस दो पति पत्नी में अगर झगड़ा हो गया तो वो ईजिली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कर सकते हैं बाय लेट से, अभी तो सिस्टम ऐसा है कि लोग ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जो छोटे मोटे डिस्प्यूट हैं उनका रिजोल्यूशन भी ऑनलाइन कर लें, इवन छोटे मोटे, वी हैव सीन दैट इवन द कोर्ट्स हैव वेंट डिजिटल इन द केस ऑफ कोविड के टाइम में हमने देखा था, तो वी कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर ईजिली हैंडलिंग दिस, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट का एग्जाम्पल दे दो तो एक लिटिगेंट 1,000 रुपये केस पर डे देता है पर केस, जिसमें आपके 1,746 पर केस पर डे लॉस होता है इसकी वजह से, तो वो सब से छुट्टी आपको बस एक मोबाइल चाहिए, आप ऑनलाइन आ गए, तो इट्स वेरी ईजियर। और यहाँ पर ये भी होगा कि हमें इंश्योर ये किया कर भी सकता है कि एक तरह की प्राइवेसी रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी रहे, क्यों आप तो कहोगे तो उल्टा है, ऑनलाइन जा रहे हैं हम, कम होना चाहिए प्राइवेसी। देखो व्हेन यू आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर कोर्ट और कोई डिस्प्यूट फैमिली के बीच में है या पति पत्नी के बीच में है या कोई छोटा मोटा फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, तो वहाँ पर जब आप उस जगह जाते हैं कोर्ट में जाते हैं तो इट विल इवेंचुअली इट्स लाइक आपके ऊपर ठप्पा लग जा रहा है, तो उन केसेस में ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोवाइड्स अ वेरी ईजियर वे आउट, जहाँ प्राइवेसी भी रिस्पेक्ट होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी सेव रहती है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, तो ये की एरियाज है जहाँ पर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, स्मॉल क्लेम्स हो गए, जो कस्टमर जो हम अभी उपभोक्ता आयोग में जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, वो भी ऑनलाइन हो सकता है। सो दीज वेज वी कैन रिजॉल्व अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विच रिक्वायर पीपल टू फिजिकली विजिट प्लेसेस कैन बी डन ईजिली एट होम एज वेल। तो ये चीज़ें हैं जहां हम बेहतर चीज़ों को पुश कर सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन भी हो जाएगी और हम इसमें AI और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाइना इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो कुछ एग्जाम्पल हैं आप मैंशन कर सकते हैं, बट देन ये तो हो गई जो पॉजिटिव आस्पेक्ट है, 5-6 पॉइंट्स यहाँ पर आपने लिख लिए। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, चैलेंजेस आर पहला डिजिटल डिवाइड, रूरल इंडिया में आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अभी भी, अगर किसी के पास फ़ोन है भी तो सबके पास उतनी क्या एक्सेसिबिलिटी है कि दे कैन दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन ऑन द सेम लेवल, नो दे कांट। अभी भी 24% रूरल इंडिया हाउस होल्ड के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, जहाँ एक्सेस है वहाँ क्या स्पीड है,
5G स्प्रेड हो गया पर क्या कैपेबिलिटी है सबके पास, जो हार्डवेयर है वो कैसा है, इसके ऊपर लीगल और जो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं है, इसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी है, जो मैकेनिज्म है आर्बिट्रेशन अगर कोई ऑनलाइन करना चाहे तो किस हद तक इम्प्लीमेंटेबल होगा, देन देर आर ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल ड्रॉबैक्स लाइक हैकिंग का एग्जाम्पल है, और इट कुड बी टॉक अबाउट कि हमारे पास ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं है, प्रिवेसी कंसर्न वहाँ पर आ जाते हैं, क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन का इशू आता है कि क्या जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म होगा इट विल बी एज फेयर एज प्रोफेशनल और एज यू कैन से लीगली साउंड एज जो जनरली हम ऑफलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में देखते हैं। तो इन क्वालिटी इश्यूज को, इन सब स्टैंडर्ड जो कंसर्न आते हैं उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ इनकन्सिस्टेंसीज लगातार देखी गई हैं समा और समाधान जैसे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ कहा जाता है कि क्रेडिबिलिटी पे ठेस पहुँच सकती है, और इसलिए इसको निकालना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम एक बेहतर ट्रेन प्रोफेशनल ट्रेन मैकेनिज्म ऑलरेडी लेके नहीं आएंगे, डिजिटल डिवाइड को काम नहीं करेंगे, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, डेटा सिक्योरिटी प्रिवेसी कंसर्न्स को के ऊपर काम नहीं करेंगे, दैट पीपल गोइंग ऑन दैट विल नॉट फेस डेटा ब्रीचेस कि भाई कोई उनके उस डिस्प्यूट रिलेशन का की मीटिंग का कोई स्क्रीनशॉट लेके बाद में सोशल मीडिया पर डाल दे, इट्स अ बिग बिग कंसर्न। सो दोज थिंग्स हैव टू बी सेफ गार्डेड, इफ दे आर नॉट सेफ गार्डेड देन इट विल नेवर बी एबल टू अचीव वॉट इट इज आउट टू अचीव, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली दे फेस अ बिग रेजिस्टेंस फ्रॉम लीगल प्रोफेशनल, उन्हें लगता है कि भाई अगर ऐसा होगा तो हमारे पास कोर्ट में केस लड़ने को होगा नहीं। बार एसोसिएशन ने इसका लगातार विरोध किया है कि इट इज़ नॉट, इट विल इम्पैक्ट द अर्निंग्स एंड लाइवलीहुड, इट विल ऑल नॉट बी, इट इज़ नॉट, इट इज़ अगेंस्ट ट्रेडिशनल लीगल जो हमारा सिस्टम है उसके खिलाफ है। तो वहाँ उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, टेक्निकल ग्लिचेस का एग्जाम्पल दिया जाता है, वर्चुअल कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई उसकी दिक्कत आती है, तो वो कंसर्न्स हैं, बट इन कंसर्न से लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखो जो इश्यूज हमने अभी तक डिस्कस किए उन एरियाज में अगर हम काम करें तो हमारे ये पॉइंटर्स यहाँ पे सेट हो सकते हैं। हमने बोला डिजिटल डिवाइड, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देयर हैज़ टू बी सम मेजर्स टू सॉल्व द इश्यूज विच आर देयर क्रिएटिंग इश्यूज इन ODR, क्योंकि देखो ODR जैसे हमने डिस्कस किया इट कुड बी अ वेरी गुड वे टू रिड्यूस द लोड ओवर इंडियन जुडिशरी। तो वहाँ पर आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा, जैसे कि आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन एक्ट है हमारा, उसी की तरह से आपको यहाँ डेवलप करने की ज़रूरत है, ट्रेन प्रोफेशनल होने चाहिए, आपके पास पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, इट शुड हैव अ रीच एंड यू शुड हैव इंस्टीट्यूशंस जो इसके ऊपर स्पेशल कोर्स करा सकते हैं, प्रोसीजर को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा एंड इवेंचुअली इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ODR अडॉप्शन को कि कैसे ODR करने से आपको फ़ायदा है, वाई पीपल शुड स्विच टू इट, और जिन जैसे बार एसोसिएशन की जो दिक्कतें हैं वहाँ पर वी शुड हैव अ डायलॉग विद दैम, वी शुड इंटीग्रेट ODR विद जुडिशियल प्रोसीजर, वी शुड हैव मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, वी शुड यूज़ टेक्नोलॉजी टू फर्दर मेक इट मोर पीपल सेंट्रिक, ताकि उनके लिए और आसानी हो, बेहतर तरीके से इसको वो हैंडल कर पाएँ, देन वी कैन से कि हाँ हम ODR को अडॉप्ट कर सकते हैं इन रियल टाइम इन रियल वर्ल्ड, और अगर हम ये जो स्ट्रैटेजीज हैं अडॉप्ट करें तब जाकर हम ODR का इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिजॉल्व आर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो देखो ये जनरल अप्रोच आप इस क्वेश्चन के प्रति रख सकते हो। अगेन आई विल पॉइंट आउट ODR जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए बहुत बेसिक से पॉइंट्स थे, यू विल हैव टू इंश्योर कि वो जो आस्पेक्ट है वो अपने आंसर्स में आप ऐड कर पाए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी डिफेक्शन लॉ हैज बोथ स्ट्रेंथन एंड वीकन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया बाय इंश्योरिंग पार्टी डिसिप्लिन बट ऑल्सो स्टाइफलिंग इंडिविजुअल डिसेंट अमंग लेजिस्लेचर क्रिटिकली असेस। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि इसने बोथ स्ट्रेंथन भी किया वीकन भी किया डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, इसको असेस करना है हमें। अब देखो क्या है असल में एंटी डिफेक्शन लॉ, इस क्वेश्चन में अगर आप बात कर रहे हो तो अगेन यू हैव टू मेंशन व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, व्हाई इट वाज इंप्लीमेंटेड, व्हाट आर द पॉजिटिव डिस्कस नेगेटिव्स एंड देन गिव यू द कंक्लूजन। मेजरली आपको यही सिस्टम यहां पर रखना है, क्रिटिकली एसेस करना है इसको। तो एंटी डिफेक्शन लॉ प्राइमरी लाया इसलिए गया था कि जो आपकी आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स थी, जो आपकी हॉर्स ट्रेडिंग थी, उसको लिमिट करने के लिए चीजें की गई, ठीक है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसने काफ़ी वीकन कर दिया डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, ये भी कहा जाता है क्योंकि इंडिविजुअल डिसेंट अब कोई नहीं कर सकता। अगर किसी पार्टी ने व्हिप जारी किया है पार्टी प्रेसिडेंट ने, तो सभी जो पार्लियामेंटेरियन जो मेंबर्स उस पार्टी के उसको
अटेंड भी करना है और वही एरिया में उनको वोटिंग करनी है। अगर आप पार्टी को छोड़ना चाहते हो तो आप पार्टी को इसे छोड़ोगे, आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। जब तक आप एक पर्टिकुलर नंबर लेके नहीं आ रहे, उतने लोग वहाँ पार्टी को नहीं छोड़ रहे। लेकिन इतिहास ऐसा रहा है कि इसकी वजह से काफ़ी इनस्टेबिलिटी रही थी, काफ़ी दिक्कतें रही थी। जो 90s की पीरियड में लगातार सरकारें गिरी बनी ताकि लोग इधर उधर शिफ्ट कर रहे थे, तो इसी को रोकने के लिए 10th शेड्यूल ऐड हुआ था। 10th शेड्यूल ऐड ही इसलिए किया गया था कि लगातार जो पार्टियाँ टूट रही हैं, बन रही हैं, लोग अपने फ़ायदे के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, जहाँ की कोशिश की गई थी कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे और जो लेजिस्लेचर्स कुछ एक अपने फ़ायदे के लिए यहाँ से पार्टी बदल के वहाँ जा रहे हैं, वो डिफेक्शन का इस्तेमाल ना करें टू गेन मैक्सिमम एडवांटेज। तो उसको रोकने के लिए ये सिस्टम लाया गया और इट हैज़ बीन, वाई इट हैज़ बीन अडॉप्टेड, पहली बात व्हाट इट डज, इट गिव्स यू मोर स्टेबिलिटी, इट गिव्स मोर अकाउंटेबिलिटी, आपका रूल ऑफ लॉ बेहतर तरीके से अडेप्ट हो सकता है, गवर्नेंस में एक कंटिन्यूटी आती है, स्टेबल गवर्नेंस आती है। पहले कोलैप्स 60 के दशक में बहुत डिवाइड देखा गया था, पार्टी डिसिप्लिन बढ़ता है, करप्शन कम होता है, ब्राइबरी कम होती है, कैश फॉर वोट स्कैंडल जैसी चीज़ें कम हो जाती हैं। ऐसा कंपेरेटिवली हम कह सकते हैं कि जब इन चीज़ों को अडॉप्ट किया गया था, सोचा गया था कि पार्लियामेंटेरियंस विल नॉट रियली बी बॉट और टेकन अवे, क्योंकि नॉर्मली यही होता है इलेक्शन के बाद, अगर किसी पार्टी के पास कुछ लोग कुछ सीटें कम पड़ती हैं या उन्हें और कंट्रोल करना चाहिए, तो कुछ लोगों को ब्राइब करके अपनी पार्टी में वो ऐड करवा दे ताकि उनके पास नंबर आ जाए। तो ब्राइबरी करप्शन कम होगा, पार्टी में डिसिप्लिन बढ़ेगा, इट विल गिव मोर स्मूदर एंड स्टेबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिज्म कम होगा, स्टेबिलिटी आएगी, लोग पोस्ट इलेक्शन इजिली स्विच नहीं करेंगे, और प्लस जो पीपल का मैंडेट है इट विल गेट द रिस्पेक्ट, दे विल बिल्ड, दे विल हैव मोर कॉन्फिडेंस बिकॉज दे नो कि हमने जिस वोटर को जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुना है वो उसी जिस एक अपने विचारधारा है जिस तरह की उनके मुद्दे के ऊपर उन्हें चुना है उस मुद्दे को वो अपहेल्ड करेंगे। दे विल नॉट स्विच साइड जस्ट बिकॉज फॉर देयर पर्सनल एडवांटेज। इन चक्करों में यू पिक दिस एंड देन इट विल लीड टू लेस पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, इट विल क्रिएट अ मोर सिनेरियो जहाँ पर आप फोकस करोगे कि आप पॉलिसी मेकिंग पे, आप जो बेहतर फोकस है आप गवर्नेंस के ऊपर करोगे। ये तो बातें सोच के ली गई थी, बट द पॉइंट इज व्हाट वर द इश्यूज वेंस वी अडॉप्ट द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब दिक्कत यह है कि जैसे आपने ये अडॉप्ट किया तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि डिसेंट, जो डिसेंट है वो साइड लाइन हो गया। वाई डिसेंट गॉट साइड लाइन? बिकॉज अब जैसी पार्टी विप आएगी आपको एग्री करना है, आप पार्टी के खिलाफ इंडिविजुअली एक्टिव नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट जो वॉइस हैं वो स्टाइफल हो गई, लार्ज स्केल पॉलिटिकल मैनेवरिंग, अब मास डिफेक्शन होता है। गोवा और अरुणाचल प्रदेश का केस आप देख सकते हैं जहां पर एक तिहाई सीटों से ज़्यादा लोग जब शिफ्ट करते हैं आप कर सकते हो, तो उतने लोग वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी पार्टी में चले गए। हमने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पार्टियाँ तोड़ी गई, गोवा का एग्जाम्पल, अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल। तो वहाँ पर अब क्या हो रहा है, कई 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 पार्टियाँ पूरी की पूरी बड़ी पार्टियाँ छोटी पार्टी को क्या कर रही हैं, पोच कर ले रही है। अब ये पोचिंग जो हो रही है, यहाँ पर हमने सोचा था कि करप्शन कम होगा पर करप्शन और बड़े लेवल पे होने लग गया, प्लस उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडिविजुअल्स जो थे, जो एक उनके खुद के कॉन्शियंस पे अगर कुछ कहना चाहें, पार्टी के डायरेक्टिव से अलग जाकर कोई अगर इंडिविजुअल एक स्टैंड लेना चाहे, सो दैट पर्सन कैन नॉट टेक दैट स्टैंड, बिकॉज इफ ही और शी टेक्स दैट स्टैंड, इफ़ शी डिसाइड्स टू लीव द पार्टी ऑन सर्टन मॉरल ग्राउंड्स और सर्टन प्रिंसिपल्स, इट विल लीड टू हिम और हर लूजिंग देयर वॉट, लूजिंग देयर मेंबरशिप टू द पार्लियामेंट। इवेंचुअली होगा इससे ये कि इसी वजह से कई लोग पार्टी लाइन को ही फॉलो करने लग गए, या जो करप्शन है वो एक तरह पे हो रहा है, जबकि जो इंडिविजुअल एक तरह से डिसेंट होना चाहिए, जो उनके पास एक पर्सनल कॉन्शियस में एक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो खत्म हो गया है और एक नई क्राइसिस आ गई है जहां पर इट हैज बीन लेड बाय मेजरली अ सॉर्ट ऑफ होलसेल डिफेक्शंस, अ सिनेरियो वेयर इंडिविजुअल वॉइसेस हैव नॉट बीन रेज्ड, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो स्ट्रॉन्गर लीडर्स हैं उन्हीं की बातें सुनी जाती हैं। यू विल नॉट सी अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल पार्टी लीडर्स कमिंग अप एंड टॉकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कर्नाटका, महाराष्ट्र, सिक्किम की पार्टी जो पूरी की पूरी डिफेक्ट कर गई थी, तो हो ये रहा है कि अब क्वालिटी ऑफ डिबेट्स भी कम हो गई हैं, कि हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसी एक पर्टिकुलर राज्य में जो जो स्टैंड है वो वहाँ के पार्लियामेंटेरियन को पसंद ना हो, बट नाउ इन ए सिनेरियो ही और शी कैन नॉट मेक रेज अ वॉइस, तो क्रिटिसिज्म खत्म हो गया और डिसीजन मेकिंग हो गई है, जो पॉलिसी मेकिंग हो गई है वो हो गई है सेंट्रलाइज।
सो दीज आर द की कंसर्न विच यू कैन रेज इन योर आंसर्स कि हाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं विच आर काउंटर इंटुइटिव, जो सोच के लागू किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, इट हैज़ नॉट बीन एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव टू दैट लेवल विच इट इट वॉज सपोज टू अचीव. तो अब पॉइंट आता है कि वट कैन बी डन, ठीक है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी भी लोगों में कम हो रही है, मर्जर स्प्लिट हॉर्स ट्रेडिंग तो अभी बढ़ रही है, तो वी नीड टू शिफ्ट. वट डू वी नीड टू शिफ्ट, एक दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ. एक, वी नीड टू शिफ्ट एडजुडिकेशन अथॉरिटी, कि क्या डिफेक्शन केस अभी जो होते हैं डिसाइड कौन करता है, तो भाई साहब डिसाइड करते हैं स्पीकर. तो दिक्कत यह है कि स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी के अक्सर चुने जाते हैं, तो कहा ही जाता है लोग आजकल स्पीकर ऐसे चुनते हैं ताकि वो अगर कभी डिफेक्शन हो तो हमारे पक्ष में बात करें. हालांकि ऑफिस ऑफ स्पीकर इज कंसिडर्ड इम्पार्शियल न्यूट्रल, पर डिमांड ये है कि उसकी जगह एक बेहतर बॉडी हो जो डिसाइड करे या कोर्ट डिसाइड करे. स्पीकर के डोमेन से आप इसको बाहर लेके जाओ. सेकेंड ARC ने अगेन ये कहा था कि आप या तो इलेक्शन कमीशन या जुडिशरी को डिसाइड करने के लिए कहो ताकि बायस से बाहर निकले. प्लस इवेंचुअली यू नीड टू डिफाइन मर्जर एंड डिफेक्शन क्राइटेरिया. पार्टी जब मर्ज करती है तो किस तरह मर्जर होगा, क्या लिमिटेशन होंगी, और इसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन देनी बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप एक गाइडलाइन मेंशन नहीं करोगे सो इट विल नॉट सॉल्व द क्राइसिस विच इंडियन पार्लियामेंट इज स्टिल फेसिंग. यू नीड टू हैव टाइम बाउंड रेजोल्यूशन, यू नीड टू हैव राइट टू डिसेंट, जो अलाउड होना चाहिए. देखो पार्लियामेंट में एज अ पार्लियामेंटेरियन एवरीवन हैज फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट वन एरिया वेयर दे आर सपोज टू यूज दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू देयर मैक्सिमम एडवांटेज, वहीं पर वो नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि भाई कैसे करेंगे, वहां पर उनके खिलाफ वो कुछ कर ही नहीं सकते. एंटी डिफेक्शन लॉ की कहानी आ गई, वो कुछ करेंगे तो शायद उनकी सदस्यता चली जाए बाद में. तो इस चक्करों में इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी सेफगार्ड द इंडिविजुअल राइट, एंड देर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन दैट, ऑन वी नीड टू इंश्योर जुडिशियल ओवरसाइट एंड प्रमोट इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, ताकि कोई व्यक्ति अगर पार्टी के स्टैंड से अलग स्टैंड लेता है, लीडर जो पार्टी का उससे उसके स्टैंड से अलग स्टैंड लेता है, तो स्टिल दे ही और शी कैन रियली गो हैड एंड इन देयर ओन पार्टीज पार्लियामेंट और इन दिस ओन पार्टीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर, वहाँ पर उसकी आवाज़ लिखा पाए. वहाँ पर इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए. एंटी डिफेक्शन लॉ को अपडेट करने की ज़रूरत है और एक इंडिपेंडेंट डिफेक्शन ट्राइब्यूनल बनाने की ज़रूरत है, ताकि डिफेक्शंस मर्जर्स को लेकर हम गाइडलाइंस लेके आए, चीज़ों को हम बेहतर तरीके से डिफाइन करें, ताकि हम जो इसका पॉलिटिकल मिसयूज़ है उसे रोक पाएँ, और द इरोजन ऑफ द ट्रस्ट ऑफ अ वोटर टुवर्ड्स हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव वो कम हो पाए. और एंटी डिफेक्शन लॉ जिस स्पिरिट के साथ लाया गया था उस स्पिरिट में वो अप्लाई हो पाए, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू मेंशन इन दिस, राइट. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस. व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंश्योरिंग सीमलेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स. अब देखो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, बट द कोर पॉइंट इज एग्जामिन सिग्निफिकेंस ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस. अब भारत के साथ समस्या ये रहती है कि हर एक मंत्रालय अपना खुद का काम देखता रहता है. क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, कि भाई अगर आपको गवर्नेंस इफेक्टिव लानी है इंटर मिनिस्ट्रियल गवर्नेंस होनी चाहिए. इसमें सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं और क्या चैलेंजेस हैं पहली बात, और कैसे हम इसमें सीमलेस कोऑर्डिनेशन अचीव कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स. नाउ इंडियन गवर्नेंस के साथ एक दिक्कत ये है, देर इज अ लॉट ऑफ फ्रेगमेंटेशन. तो वो फ्रेगमेंटेशन से फाइट ऑफ कैसे करोगे, पूरी का पूरा क्वेश्चन उसी के आसपास है. तो कोर ऑफ द क्वेश्चन इज यू हैव टू मेंशन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या चैलेंजेस हैं और कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, और कुछ मेजर्स हमें इसमें मेंशन करने हैं. अब देखो पॉइंट ये है, इफ़ यू लुक एट दिस क्वेश्चन इट्स अ 15 मार्कर, 200 वर्ड में अगर आप इसको आंसर कर रहे हो, मे बी 250 वर्ड इनिशियली स्ट्रेच करोगे. अब इंट्रोडक्शन में लिखोगे व्हाई इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा दैट स्ट्रेटजीज एंड गवर्नेंस, द स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नेंस हैव टू बी अप्लाइड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू डाइवर्सिटी ज्योग्राफी. जो कोऑर्डिनेशन है वो एसेंशियल फीचर है, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा वी कांट हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज ऑन ग्राउंड, और इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उसको एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन करें. और इसी के तहत प्राइम मिनिस्टर ने भी बार बार कोशिश की है कि हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके आए ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो पाए, बट द प्रॉब्लम इज व्हाई वी नीड दैट.
वी नीड इट टू पुश गवर्नेंस. तो गवर्नेंस में कोहिशन अगर आपको चाहिए, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर खैर आप यहाँ अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आप पॉल्यूशन मेजर्स को कंट्रोल करना चाहते हो दिल्ली में. दिल्ली में अगर आपको पॉल्यूशन कम करना है और जो आपकी रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसने ऐसे लॉज बना रखे हैं, गाड़ियाँ चली जा रही हैं, बिकी जा रही हैं धुआंधार, पुरानी नई, तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कितने भी लॉज लेके आ जाए कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं. अगर आप की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे ऑप्शंस ही ना डेवलप करे, ऐसी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट ना करे जिसके तहत एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कम हो, तो वो कोलेब्रेशन नहीं होगा तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा. आप चाहते हो कि आपके इलाकों में पॉल्यूशन कम हो या आप चाहते हो और एफिशिएंसी बढ़े, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑपरेट ही नहीं करे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ, तो ये चीज़ें हो ही नहीं पाएगी. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करो तो वहाँ भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कोलेबरेट करना पड़ता है, तभी जाकर आप चीज़ों की पूर्ति कर पाते हैं. तो कोहेसिव गवर्नेंस के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी शुड हैव अ सिनर्जी. ये टर्म याद रख लो, सिनर्जी, वी शुड फॉस्टर सिनर्जी टू एंश्योरिंग अ कोहेसिव गवर्नेंस. जब तक हम ये नहीं लाएंगे, जब तक हम जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उसको लेकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके नहीं आएंगे, जहाँ पर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनकी कोऑर्डिनेट प्लानिंग होंगी, उनकी एक एक डिफाइंड उनका क्राइटेरिया होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तब तक हम जाकर चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे. बिकॉज इन मिनिस्ट्रीज ऑन एंड इन डिपार्टमेंट्स टू फुलफिल एनी गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव देर आर सपोज टू हैव मल्टीपल ओवरलैप्स. सो वो ओवरलैप्स रिजॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट गवर्नमेंट टेक स्टेप टू इंश्योर दैट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैव सम सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग देमसेल्फ टू पुश दैट कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन. ये चार पॉइंट है, इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप रिसोर्स इम्प्लीमेंटेशन चाहते हो, पॉलिसी का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन चाहते हो, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप इसी में याद करो तो स्मार्ट सिटी योजना की बात कर लो या स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लो, ये तभी ऑपरेशनलाइज हो पाए, तभी इम्प्लीमेंट हो पाएंगे जब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर कोऑर्डिनेटिंग इन अ प्रॉपर वे, ऑप्टिमल रिसोर्स मैनेजमेंट हो, स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन हो, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में कोलेबरेशन हो. तो आप देख लो, गतिशक्ति जो आपका अभियान है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करने का, या प्रगति जो इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर का था कि आप रियल टाइम कोशिश करोगे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे हो, वो उसकी ओर दिखाता है कि हम कैसे इन चीज़ों को पुश करना चाह रहे हैं. ये चीज़ें हमारे प्रायोरिटीज याद में. अब यहाँ दिक्कत क्या आती है, कम्युनिकेशन बैरियर, पावर ओवरलैप, लैप ऑफ कोलेबरेशन, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन में ब्यूरोक्रेटिक साइलोज हैं. मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है वो अलग अलग ढांचे में बटी हुई है, उनके अलग अलग प्रायोरिटी हैं, वो अपने एरियाज के ऊपर फोकस करिए. दे आर नॉट लुकिंग एट कॉमन, यू कैन से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज. प्रायोरिटीज अलग अलग हैं, रिसोर्स एलोकेशन को लेकर डिस्प्यूट है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स चाहते हैं कि उनके लिए उनके पास उनको फंड मिलना चाहिए. नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अलग डिपार्टमेंट मांग रही है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अलग उसके लिए एफर्ट्स के लिए अपने फंड्स को लेना चाह रही है. तो जब तक आपके बीच में ये डिवाइड रहेगा, यू कैन नॉट अचीव दिस. एंड देन यू हैव लैक ऑफ डेटा सिस्टम्स, लिमिटेड कम्युनिकेशन चैनल्स. जब तक ये चीज़ें नहीं रहेंगी तब तक आप प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे. जो कूल एरियाज है वहाँ पर आपको मैंशन करने ही करने हैं. और चैलेंजेस क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात कर लो, वेरिंग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज या मैकेनिज्म्स की बात कर लो. इनका मतलब क्या हुआ, देखो मैं फिर एक बार क्लियर कर लूँ कि मान लो आपके पास डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए कितनी मिनिस्ट्रीज उसमें ऑपरेट करेंगी, कितनी मिनिस्ट्रीज का क्या रोल होगा, कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, उनका क्या क्या रोल होगा, यू शुड हैव अ प्रॉपर डेटा सेट. प्लस यू शुड हैव दैट सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, ताकि जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी है कि कहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री को कितना खर्च करना है या किसको कितना शेयर मिलना चाहिए, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड. एंड दैट कैन हैपन ओनली व्हेन यू हैव प्रॉपर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म. ये नहीं कि एक मिनिस्ट्री को लगा कि भाई आज हमने साइन कर दिया तो हमारा पैसा कहीं और चला जाएगा. इट हैज़ टू हैव दैट सेंस ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, वो सिस्टम होना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पर आ रहा हो, चाहे फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात हो या प्रोसीजरल मैकेनिज्म की बात हो, वहाँ उन चीज़ों को रिजॉल्व कर पाओ. जब तक आप वो नहीं करोगे इट विल नॉट लीड टू रिजल्ट्स. ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की बात हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो उसको ठीक से कर पाए. और एक इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो अलग अलग विभाग है, सबके अलग अलग अपने टारगेट्स होते हैं, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको पूरा करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जॉइंट इनिशिएटिव्स, जॉइंट प्लानिंग,
उनके ऊपर फोकस रहे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस रहे और डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से हो पाए चीज़ों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, अकाउंटेबिलिटीज़ का। देखो होता ये है, कंसर्न तीन चीज़ों के ऊपर मेजरली रहते हैं। पहला रिसोर्सेस, हु इज गेटिंग हाउ मच रिसोर्सेस। सेकेंड अकाउंटेबिलिटी, हु इज अकाउंटेबल फॉर सर्टेन सर्टेन एक्शंस। सो नोबडी विल ट्राई टू टेक अ स्टेप वेयर इन दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर सर्टेन एक्शंस इफ थिंग्स गो रॉन्ग। जबकि चार मिनिस्ट्रीज के ऊपर काम कर रही है, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर मिलके एक इलाके में पेस्टिसाइड को लेकर एक नई स्कीम लेके आएंगी, पेस्टिसाइड का छिड़काव ड्रोन्स के थ्रू होगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल इंश्योर कि वो अपने थ्रू उन ड्रोन्स के थ्रू वहाँ पर छिड़काव करें। अगर वहाँ की फसलें फेल हो जाती हैं तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कहा ये जा सकता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहेगी भाई कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बिल हमारे नाम का फटेगा, लोग हमें अकाउंटेबल बनाएंगे कि वी हैव नॉट बीन एबल टू इम्प्लीमेंट दिस प्रॉपरली और इसकी वजह से नुकसान हो गए। तो वहाँ एक कंसर्न आ गया। प्लस उस केस में ये हो सकता है कि जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनकी कुछ और डिमांड्स हों विद रिगार्ड्स टू प्रोसीजर्स उनके अलग हों। तो इसी वजह से पहली बात रिसोर्स की आती है, अकाउंटेबिलिटी की आती है, ओवरलैप की आती है। और अगर आप किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में रोड्स की स्थिति देखो, हर जगह अलग तरह की स्थिति है रोड्स की, वाई? बिकॉज दे आर ओवरलैप्स एंड दैट हैज़ टू बी स्टैंडर्डाइज्ड। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपके पास एक मैकेनिज्म हो जहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के रोल डिफाइंड हो। रिसोर्स कॉम्पिटिशन है इंडिया में ऑलरेडी, तो उसमें कॉम्प्लीमेंटैरिटी कैसे बढ़ाई जाए ये हमारा फोकस होना चाहिए, वो हमारे एरियाज़ का फोकस होना चाहिए। तभी जाकर हम कह सकते हैं कि वी माइट रीच अ सिनेरियो जहाँ पर हम इसको रिजॉल्व कर पाएँ। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर डिफरेंट डिफरेंट है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने कहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री स्ट्रगल टू अलाइन देयर प्रोसीजर्स फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स। क्यों? इन दोनों का अलग अलग विजन है रिगार्डिंग व्हाट हाउ एक्सपोर्ट्स शुड बी फोकस्ड, कहाँ पर फोकस करेंगे, किस सेक्टर में करेंगे, किस चीज़ को आप किस तरह की इंप्लीमेंटेशन करनी है, क्या पॉलिसी मेकिंग लानी है। तो वहाँ पर जब तक आप कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे, अभी कोऑर्डिनेशन होगा कैसे, जब तक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होगा, प्रॉपर डायलॉग नहीं होगा, प्रॉपर इंटर डिपार्टमेंटल डायलॉग नहीं होगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी और मैकेनिज्म्स नहीं होंगे, तब तक आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते इस कॉन्फ्लिक्ट को। इट्स वेरी एसेंशियल डेट यू नीड टू हैव दोज थिंग्स इन प्लेस टू रिजॉल्व दीज आस्पेक्ट्स एंड ओनली देन यू कैन टॉक अबाउट रिजोल्यूशन। अगर हम बात करें क्या एक्स्ट्रा एज में आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो वहाँ आप मैंशन कर सकते हो, पहले कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म कैसे बढ़ेगा? इंटर मिनिस्टेरियल टास्क फोर्स, ये आप खड़े कर सकते हो। यू शुड हैव रेगुलर कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, यू शुड हैव एनहांस्ड कम्युनिकेशन चैनल्स। कम्युनिकेशन चैनल एनहांस होंगे कैसे? वेन यू हैव रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यू शुड हैव इंटीग्रेटेड पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स, ताकि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनकी प्रायोरिटी सामने वाली मिनिस्ट्री को भी पता हो, उनका विजन क्या है और कहाँ पर वो डिफर कर रहे हैं ये पता हो। फिर वो एक टास्क फोर्स बना पाए कि हाउ वी कैन एंश्योर कि हमारे जो डिफरेंसेज हैं उसके बावजूद हम एक यूनिफाइड अप्रोच रख पाएँ। दैट इज़ हाउ वी शुड पुश इट। एंड बियॉन्ड दैट वी शुड हैव अ देर शुड बी लीडरशिप एंड पॉलिटिकल विल, एक प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, क्लियर कट रोल्स, क्लियर डिलिमिनेशन एंड इफेक्टिव ओवरसाइट। यानी जो प्रॉब्लम आती है अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी अगर आप बेहतर ओवरसाइट रखते हो और रोल डिफाइंड होता है, प्लस कम्युनिकेशन होते हैं। सो दे विल रियलाइज वट आर द ऑब्जेक्टिव्स, वट आर द इंटेंशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, और उस हिसाब से अपने आप जो टारगेट्स हैं उसको सेट कर सकते हो और कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो चीज़ों को। और ये वो की एरियाज हैं जहाँ पर आप फोकस कर सकते हो अपने आंसर्स में। नाउ जैसे हम बात कर रहे थे कि एक आप आंसर लिखेंगे तो आपको एक जो बेहतर आंसर आप ग्रुप में सबमिट करोगे उनमें जो एक मॉडल आंसर होगा, जो बेस्ट आंसर होगा, उसकी कॉपी हम एवेल्युएट करके आपको प्रोवाइड भी करेंगे। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं, एक कॉपी हम चेक करते हैं, या जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेनर्स इन इंडिया, व्हाट गवर्नमेंट इनिशिएटिव सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेनर्स एंड हाउ देयर इफेक्टिवनेस कैन बी एनहेंस्ड इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस। अब ये एक कॉपी आई है जो कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो उन्होंने बहुत बेहतर आंसर लिखा है, जो आंसर सबमिट हुआ उसके मुकाबले में।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, वुमेन एंटरप्रेनर्स की क्या चैलेंजेस हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं और उनकी क्या इफेक्टिवनेस है उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। तो अगर आप इंट्रो देखो तो यहाँ इन्होंने पहली चीज़ क्या किया, डेटा प्रोवाइड किया है दैट अप्रॉक्स 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज फीमेल, लेस देन 25% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज फीमेल, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन जीडीपी इज ओनली 18%। सो वन यू हैव क्लियरली मैंशनड इन योर इंट्रोडक्शन इट्सेल्फ कि इतनी परसेंट जनसंख्या है, इतना ही जीडीपी में रोल है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने पहले ही स्टैब्लिश कर लिया एक डेटा सेट। देन दे आर टॉकिंग अबाउट क्लियरली व्हाट आर द चैलेंजेस, फ्रीडम, इक्वालिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, वहाँ उन्होंने एक करके अपने पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। जैसे पहले डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हाउस बिजनेस दोनों उनके लिए डिफिकल्ट बना देते हैं। इट इज कॉल्ड एज यू कैन द डू ऑल बर्डन ऑफ बींग वुमेन दैट यू हैव टू, क्योंकि एक मेल अगर काम करने जाता है तो वो ऑफिस जाता है फिर घर का काम नहीं करता, बट अ वुमेन हैज़ टू फेस द ड्यूअल बर्डन, ड्यूअल बर्डन ऑफ हाउस एंड वर्क बोथ। सो हाउस होल्ड वर्क इज कंसिडर्ड कि वो चोर उन्हीं का है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट वुमेन इशूज देयर ऑलवेज सिक्योरिटी कंसर्न, उन्होंने सेकेंड हाईलाइट किया है, ग्लास सीलिंग की बात करी है, सोशल इशूज की बात करी है, फिर उन्होंने यहाँ पर लैक ऑफ लेबर की बात करी है, फैमिली इशूज जो कंसर्न आते हैं, कि जो सोसाइटल कंसर्न है उसकी बात करी है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, ट्रेड, वेब, स्टैंड अप इंडिया, जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स वुमेन एंटरप्रेनर्स को मिलती है वहाँ उन्होंने मेंशन किया है। एक स्ट्रक्चरल तरीके से उन्होंने पॉइंट्स लिखे और एक स्ट्रक्चरल इसका कंक्लूजन भी इन्होंने ऐड किया। सो इट शोकेसेस दैट व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन एंड व्हाट स्टेप्स कैन बी फर्दर इम्प्रूव इन दिस रीजन। तो वो एक बेहतर आंसर है जो आपको स्ट्रक्चरली इन्होंने इसको प्रेजेंट किया अपने आंसर्स में। सो दैट इज ऑर्डर या एक बेहतर फ्लो जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये डिस्कशन जब हम कर रहे हैं तो एक तो बिकॉज इट्स लाइक अ मॉडल आंसर, काफ़ी वैल्यू एड ऑन करना होता है तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं। ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी एडेड न्यू आंसर्स, बट दिस इज अ गुड स्ट्रक्चर विच हैज बीन फॉलोड हियर इन दिस आंसर। सो दिस इज समथिंग विच वी कैन शोकेस कि हाँ इस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखा जाए टू व्हाट एक्सटेंट दैट डज रीजनलिज्म communal tension discuss with specific instances, कैसे वो उसको बढ़ावा देते हैं और क्या टेंशन आती है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ देखिए क्लियरली मैंशन पहले किया गया रीजनलिज्म क्या होता है, कॉजेज मैंशन किए हैं, वट आर द कॉजेज, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटी, सोशल एक्सक्लूजन, रीजनल डेवलपमेंट, और क्लियरली वहाँ से एक ड्रॉ किया है पैरेलल। देन दे हैव रीच्ड कि भाई कौन से एग्जाम्पल मैंशन किए इन्होंने, दिल्ली राइट्स, मणिपुर राइट्स, मणिपुर वायलेंस, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, पार्टीशन ऑफ 1947, ये तीन चार एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ उन्होंने उसको फिर एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया अपने इंसान से में कि कैसे कुछ स्किल है या कुछ जो हार्मनी है कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो कंक्लूजन में इजीली ऐड किया है। यू विल गेट दिस PDF इन द टेलीग्राम चैनल जहाँ से आप इसको देख सकते हो। दैट्स अ गुड आंसर बींग रिटन जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, इंट्रोडक्शन में डेटा पॉइंट्स ऐड कर रहा है, या अगर हम पॉलिटी की बात करें तो वहाँ आर्टिकल मेंशन कर लो या कोई रिपोर्ट ऐड कर लो या कोई जो बॉडी है उसके बारे में बात कर लो ताकि सब्सटेंशिएट आप पहले ही कर लें। व्हेन यू कम टू द बॉडी इन कंक्लूजन यू टॉक अबाउट वे अहेड, जो बेहतर अप्रोच हो सकती है, जिसकी बात यहाँ इस आंसर में भी करी गई है। तो इट्स अ गुड आंसर विच इज बीन स्ट्रक्चर्ड है जिसके ऊपर में बात इन्होंने यहाँ पर की है। सो ये आंसर आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिली जाएंगे। तो ये था आज का डिस्कशन, और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप आंसर लिखे आपका बेहतर आंसर होगा, इट विल बी डिस्कस्ड, इट विल बी शेयर्ड विद यू, तो वो आप कर सकते हैं बाय सेंडिंग योर आंसर्स इनटू द टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप इसको भेज सकते हो। प्लस हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारा हिंदी चैनल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम सेम इनिशिएटिव हिंदी में भी रन कर रहे हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आप चाहते हैं इसमें और एडिशनली ऐड हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू ऐड द पॉइंटर्स टू यू, और जो भी आपको फीडबैक देने आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल ट्राई टू ऐड दोज थिंग्स इन टू आर डिस्कशंस एज वेल। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कीप ऑन वॉचिंग PWONLY IAS, एंड रिमेंबर जब अपना PDF अपलोड करें ट्राई टू अपलोड इट इन अ PDF फॉर्मेट। कैमरा होगा फ़ोन में, Adobe स्कैन ऐप, ढेर सारी ऐप आपको मिल जाएंगी जो आपके फोटोज़ को अपने आप PDF में कन्वर्ट कर देती हैं। वॉट यू हैव टू डू इज दैट कन्वर्ट दैट इन टू PDF, अपलोड इन टू टेलीग्राम चैनल,
सबमिट करना है हमारे चैनल पे, उसको देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, अगर वो बेस्ट आंसर होगा तो यहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वो एक बेहतर, और आपकी एक हैबिट भी बिल्ड हो जाएगी, आपको आंसर्स लिखने हैं, बेहतर तरीके से लिखने हैं, और आप उसको बेहतर कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो हम डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे। तो ये था आज का सेशन, थैंक यू वेरी मच।